अरे वाह चिंटू, तुम्हारे साथ खेल के तो मजा ही आ गया। अरे टिंटन, तुम आगे कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा घर तो यही पे है। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, बातों बातों में पता ही नहीं चला। अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ कल भी खेलना। मेरे साथ कोई नहीं खेलता है। अरे तुम चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं है उसका सिंचन है। अब तुम भी घर जाओ, मैं भी जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी जाता हूँ। पता नहीं फ्रैंकलिन भैया और चॉप क्या कर रहे होंगे। अरे ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर, जल्दी से जाके देखता हूँ। फ्रैंकलिन भैया क्या कर रहे हो? अबे अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अरे पर अचानक से क्यों? क्योंकि सिंचन ये कहीं पर तो शर्त लगा के आए हैं। अरे कैसी शर्त? सिंचन सारे अवेंजर और मैंने फ्लैश से शर्त लगाई कि हम लोग उसको रेसिंग में हरा देंगे। अरे ये क्या कर दिया आपने? क्या मतलब? आपने तो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, आप लोग कभी नहीं जीत पाओगे। तू बस देखता जा, हम लोग जीत के रहेंगे। अब यार ये किसका फोन आ रहा है, जल्दी से देखता हूँ। ये तो टोनी का फोन है। हेलो फ्रैंकलिन। हाँ बोल टोनी। अरे कहाँ पर रह गए, हम सब तो पहुँच गए हैं। तुम लोग पहुँच भी गए? जल्दी से आ जाओ, नहीं तो हम लोग रेस शुरू कर देंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ, मेरे बिना कुछ भी स्टार्ट मत करना। जल्दी से फोन रखता हूँ और जाता हूँ सीधा कपड़ा बदलने, जल्दी जल्दी जाता हूँ। तो गाइस फाइनली हम लोग ने कपड़े बदल लिए हैं, अब सीधा यहाँ से निकलता हूँ, वैसे भी काफी लेट हो गया हूँ। शिनचैन चौक तुम दोनों भी आ जाओ, आज तो हमारे पास गाड़ी भी कमाल की है, जल्दी से पहुँच जाऊंगा मैं। ये रही मेरी प्यारी गाड़ी, अब जल्दी से जाके इसमें बैठता हूँ। वो लोग बस रेस शुरू ना कर दे। अबे कहाँ पर रह गए, आओगे? अरे आ रहे हैं ना फ्रैंकलिन भैया, जल्दी से बैठ भाई, अब निकलते हैं यहाँ से। अरे ये गाड़ी तो बहुत ही कमाल की है। कमाल की तो होगी ना, कितनी महंगी है पता है तेरे को? अरे फ्रैंकलिन भैया रेस में कौन कौन हिस्सा लेगा? सारे अवेंजर है शिनचैन। अरे सामने देखो संभल के। ओ भाई साहब ये क्या हो गया गाइस, थोड़ा सा पीछे लेता हूँ। अरे ये क्या कर दिया? अबे यार ये ट्रक भी टकरा गया। फ्रैंकलिन भैया जल्दी से भगाओ, अंकल आ रहे हैं। अरे मुझे लगता है ये ट्रक उन्हीं का था। यार लौंडे बाहर निकल, अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता, इतनी चौड़ी रोड पे एक्सीडेंट करता है, ये ले। अब तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये ले। चाचा इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता, क्यों मार खा रहे हो? अरे फ्रैंकलिन भैया कम ऑन, शिनचैन चुप करेगा थोड़ी देर, ये ले। चलो ये तो गया, अब जल्दी से गाड़ी में बैठ वरना अंकल वापस उठ जाएंगे। अरे आज तो बार बार बच्चे। अरे बीच पे क्यों आ गए हम लोग, आपको रेस नहीं करनी क्या? अरे रेस बीच पे ही होने वाली है। अरे वो रहे अविंदर, मुझे दिख रहे हैं। जल्दी से गाड़ी पास में लेता हूँ, गाड़ी को यही पे लगा देते गाइस, अब उतरते फटाफट। अबे यार कितना शोर हो रहा है, सबसे पहले तो स्पीकर बंद करवाता हूँ। ओहो स्पाइडरमैन गाने बजा रहा है, कैसे हो फ्रैंकलिन? अबे यार आवाज कम कर दे, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से जाता हूँ बाकियों के पास। ओहो इनका तो वार्म अप चालू है, पूरी तैयारी लग रही है सबकी तो। फ्रैंकलिन तुम भी आ जाओ, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, भागने में आसानी होगी। कमॉन कमॉन, हल्क जीतेगा, हल्क बहुत मेहनत कर रहा है, हल्क को कोई नहीं हरा पाएगा, हल्क तोड़ देगा फोड़ देगा पर किसी को जीतना नहीं देगा। सबका जोश अलग ही लेवल पे चल रहा है। अरे फ्लैश भैया को देखो, इतने आराम से बैठे हैं, मुझे एक्सरसाइज की कोई जरूरत नहीं, इनको तो मैं बड़ी आराम से हरा लूंगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है भाई, तो आ जाओ सारे के सारे रेस करने। तो गाइस कुछ ही देर में रेस शुरू होने वाली है। कमॉन फ्रैंकलिन भैया कमॉन, मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ, जीत के ही आना, कोई भी जीते मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब तक तो नहीं लग रहा था पर अभी मुझे डर लग रहा है। अरे यार जल्दी करो ना, कब से धूप में बिठा के रखा है। तो गाइस आप लोग भी जल्दी से लाइक कर दो, 1, 2 और 3। एकदम स्पीड में भागता हूँ। अरे फ्लैश भैया आप यहाँ पर क्यों खड़े हो, इन्हें थोड़ा आगे निकलने दो, नहीं तो ये नाइंसाफी होगी। अब मैं चलता हूँ। अरे वक्त बात है, फ्लैश भैया की स्पीड तो देखो। अरे ये लोग तो अभी भी बहुत पीछे है, एक काम करता हूँ और राउंड मार लेता हूँ, जल्दी से जाता हूँ। मैं तो वापस से पहुँच गया और ये मैं चला, ये लोग तो अभी भी नहीं पहुँचे, मेरा तो बस होने ही वाला है। ये क्या, मैं तो दूसरी बार जीत गया, आ जाओ सारे के सारे। अरे वक्त बात है, फ्लैश भैया तो बड़ी आराम से जीत गए, जल्दी जल्दी जाता हूँ। अरे फ्लैश भैया आपने तो कमाल ही कर दिया, अब तो बहुत ज्यादा ही स्पीड भागते हो। अरे मैंने तो पहले ही कहा था। अरे पर आपको इतनी स्पीड कहाँ से मिली, ये बहुत ही लंबी कहानी है। अरे पर मुझे तो सुननी है। अरे यार शिनचैन ऐसे कैसे सुनाऊं? अरे प्लीज ना, मेरा बहुत मन है, कहीं आपको देख के मैं भी इंस्पायर हो जाऊं तो। अच्छा ऐसी बात है, शिनचैन यार थोड़ा समझने की कोशिश कर, अभी स्टोरी सुनाना पॉसिबल नहीं है। अरे पर मुझे तो सुननी है। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक रास्ता है। वो ठीक है पर संभल के चल भाई, क्यों ना हम टाइम मशीन का इस्तेमाल करें, उससे हम इसकी पूरी स्टोरी देख सकते हैं। अरे पर टाइम मशीन तो अवेंजर मेंशन पर है। यही तो प्रॉब्लम है ना, और वहाँ पर तो कोई है भी नहीं, सब लोग तो यहाँ पर है, तो मशीन कौन लेके आएगा? एक मिनट, मैं लेके आ सकता हूँ, तुम सब में से सबसे तेज मैं ही भागता हूँ, मैं यू गया और यू आया। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर जल्दी से जाओ। अच्छा ठीक है, सब लोग मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ये मैं चला, कुछ ही देर में पहुँच जाऊंगा मैं, 2 घंटे बाद। चलो फाइनली मैं पहुँच गया। अरे ये तो बहुत जल्दी आ गए। आंधे आंधे आंधे, अबे हम पे मत चढ़ा देना। चलो जल्दी से उतरता हूँ, कैसे हो सब लोग? मैं मशीन ले आया। अरे वाह आपने तो कमाल ही कर दिया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब जल्दी से मशीन को बाहर निकाल, सेटअप भी तो करना पड़ेगा ना। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा काम एकदम आसान कर दिया, ये देखो। ओहो गाइस ये तो पूरा सेटअप करके लाया है, वो भी इतना जल्दी। अरे ऐसे ही थोड़ी ना इनको फ्लैश कहते हैं। हाँ शिनचैन एकदम सही बोल रहा है, मैं जल्दी से जाके मशीन को स्टार्ट कर देता हूँ। ये दबाया मैंने बटन, सब लोग तैयार हो जाओ, चलो मेरा काम तो हो गया। तो गाइस आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं फ्लैश की कहानी। चलो फाइनली मैं घर पे पहुंच गया, आज तो बहुत थक गया हूँ। अरे क्या हो गया मोनू, रुक क्यों गए? मुझे यहाँ से किसी का चिल्लाने की आवाज आई। अरे ये तो मेरी मम्मी की आवाज थी। मोनू तू यहीं पे रुक, मैं जल्दी से जाके देखता हूँ, पता नहीं क्या हुआ होगा। मम्मी मैं आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी जाता हूँ, मैं बस पहुँचने वाला हूँ। मम्मी कहाँ पर हो आप, कहाँ पर चली गई? इस साइड जाके देखता हूँ। वो रही, क्या हो गया मेरी मम्मी को? अरे ये कौन था और ये लाइट कैसी थी? ऐसा लग रहा मैंने किसी को तो देखा था। उसने मेरी माँ के साथ क्या किया? मम्मी
है, क्या हो गया आपको? मम्मी जवाब दो, मेरी मम्मी कुछ बोल क्यों नहीं रही? मम्मी प्लीज उठ जाओ, ये क्या हो गया मेरी मम्मी को? अपनी माँ की हालत देख के बैरी सदमे में चला गया। वो बिल्कुल सहम सा गया था। उसे लगा उसने अपना सब कुछ खो दिया। जब पुलिस को ये बात पता चली तो वो तुरंत वहाँ पर पहुँच गई। उन लोगों ने बैरी की माँ को बचाने की पूरी कोशिश की, पर किस्मत को ये मंजूर नहीं था। वो उसे नहीं बचा पाए। डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। ये केस उनके समझ में नहीं आया। मौत की वजह पुलिस को पता ही नहीं चल पाई। उन्होंने बैरी के पापा को ही क्रिमिनल मान लिया। उन्हें लगा ये हत्या उसने की है। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। और दूसरी तरफ हमारे बैरी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो गया। पर फिर अचानक एक फरिश्ता आता है। यहाँ का मामला तो बहुत ही खराब लग रहा है। ये औरत तो बहुत ही ज्यादा सीरियस लगती है। मुझे लगता है इसका बचाना नामुमकिन है। क्या यही कातिल है? हाँ सर, यही कातिल है। इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस बच्चे की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। कोई बात नहीं, अब से इस बच्चे की देखभाल मैं करूंगा। बच्चे चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारा नया पापा हूँ। मैं इसे नई जिंदगी दूंगा। बैरी को नए पापा तो मिल गए थे, पर जिसने उसकी माँ को छीना वो दूर से अभी भी उसे देख रहा था। कौन था ये शख्स और इसकी बैरी की फैमिली से क्या दुश्मनी थी? अगर आपको भी ये सब जानना है तो वीडियो को अंत तक देखे, क्योंकि आगे बहुत सारे राज खुलेंगे। अरे यार मैं फिर से लेट हो गया, डैड मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे। जल्दी जल्दी भाग के जाता उनके पास। वो रहे डैड, अरे ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? इतनी सारी लाशें डैड, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर और ये सब कैसे हुआ? बैरी तुम फिर से लेट हो गए, ये बार बार नहीं चलेगा। अगर ऐसे करोगे तो तुम सीखोगे कैसे। अरे सॉरी डैड, मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन फाइल भूल आया हूँ। तुम पुलिस स्टेशन जाके वो ले आओ। यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें गाड़ी की चाबी देता हूँ। जल्दी से जाके चाबी ले लेता हूँ। चलो डैड मैं चलता हूँ। जल्दी आ जाना। अच्छा ठीक है, ये मैं बैठा गाड़ी में। ये केस तो बहुत ही बड़ा लगता है, एक साथ चार चार लाशें। पता नहीं ये सब किसने किया होगा। सबसे पहले तो मुझे फाइल लाके डैड को देनी पड़ेगी। पता नहीं मैं उन जैसा कब बनूंगा। बैरी अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने डैड जैसा बनने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ एक ऐसी चीज होने वाली थी जो कि बैरी की जिंदगी बदल देगी। स्टार लैब में एक एक्सप्लोजन होता है जिसका रेडिएशन दूर दूर तक पहुंचता है और वो कुछ लोगों को भारी नुकसान पहुंचाता है। यहां से बैरी की जिंदगी एकदम बदल जाती है। अरे यार ये क्या हो गया, बहुत दुख रहा है। कोई तो है, मेरी मदद करो। मुझसे तो खड़ा हुआ भी नहीं जा रहा, मुझे लगता है मैं यहीं पे बेहोश हो जाऊंगा। कोई है? किसी ने बैरी पे ध्यान नहीं दिया। पर फिर वो आता है जिसके वजह से ये सब हुआ था, प्रोफेसर हैरिसन, जो कि स्टार लैब के मालिक थे। गाड़ी को यहीं पे रोको, जल्दी से आ जाओ मेरे पीछे। मुझे लगता है ये भी उस रेडिएशन का शिकार हुआ है। इसकी हालत तो बहुत खराब है। तुम दोनों एक काम करो, इसे हमारी गाड़ी के डिक्की के पीछे डाल दो। हमें इसे होश में लाना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा उससे लोगों पर क्या असर हुआ है। आ जाओ मेरे पीछे पीछे, मैं जाके गाड़ी की डिक्की खोलता हूँ। वो लोग बैरी को अपने साथ ले गए ताकि उसे ठीक करके उसकी पावर्स के बारे में पता कर सके, क्योंकि प्रोफेसर को पता था कि उस रेडिएशन का लोगों पर कोई ना कोई असर तो होगा ही होगा। पर बैरी को इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। अब देखिए आगे, ये वो जगह है जहाँ पर बैरी पहली बार अपनी पावर्स को आजमाएगा। अरे ये मैं कहाँ पर आ गया? प्रोफेसर आप मुझे कहाँ पर लेके आ गए? यहाँ पर तुम्हें कुछ टेस्टिंग करनी पड़ेगी। कैसी टेस्टिंग? और यहाँ पर इतनी सारी मशीनें क्यों है? ताकि हम जान पाए कि उस रेडिएशन का तुम्हारे शरीर पर क्या असर हुआ था। अच्छा ऐसी बात है, पर मुझे करना क्या होगा? वो तुम्हें ये बताएगी। अच्छा ऐसी बात है, पर इसमें कोई खतरा तो नहीं? नहीं इसमें कोई खतरा नहीं है, तुम्हें सिर्फ भागना है। हमने तुम्हारे बॉडी को चेक किया था, ऐसा लग रहा है तुम्हारी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई है। हमने पूरे रास्ते में मशीन लगाई है, इससे तुम्हारी स्पीड का पता चल पाएगा हमको। तुम्हें सिर्फ भागना है, तो जल्दी से भागना शुरू करो। बच्चे अपनी पूरी ताकत लगा देना, तुम्हें पता लगाना ही पड़ेगा। चलो मैं तैयार हूँ, अब जल्दी से भागो। अच्छा ठीक है, जल्दी से शुरू करता हूँ। और ये मैंने भागना शुरू कर दिया। मुझे तो लग रहा है मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, इतना तेज तो मैं पहले भी भागता था। अरे ये क्या हो गया अचानक, मेरी स्पीड इतनी बढ़ कैसे गई? ऐसा लग रहा है मैं हवा से भी तेज भाग रहा हूँ। पर ये हुआ क्या है मेरे साथ? जल्दी से वापस जाता हूँ, अब प्रोफेसर ही मुझे बताएंगे ये सब क्या है। इतनी ज्यादा स्पीड तो मैं कभी भी नहीं भागा। चलो मैं बस पहुँचने वाला हूँ। ये रहे वो लोग। प्रोफेसर ये सब कैसे हो गया, मैं इतना तेज कैसे भागने लग गया? जब स्टार लैब में वो एक्सप्लोजन हुआ था तो उसका रेडिएशन बहुत दूर तक फैला था। उसमें से कई लोगों को पावर मिली जैसे कि तुम्हें मिली है, पर कईयों ने इसका बुरी शक्तियों की तरह इस्तेमाल किया। एक तुम ही हो जिसने अभी तक ऐसा नहीं किया है। अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे तो ये पता भी नहीं था। हमने तुम्हारे लिए एक सूट बनाया है जो कि स्टार लैब में है, तुम वहाँ से जाके उसे ले लो। अच्छा ठीक है मैं अभी जाता हूँ। ये मैं चला। अरे वाह क्या बात है, ये तो बड़ी कमाल की ताकत है। मैं बस स्टार लैब पहुँचने वाला हूँ। चलो फाइनली मैं काफी नजदीक आ गया। ये रहा स्टार लैब, अब जल्दी से अंदर जाता हूँ। वाह क्या बात है, मैं तो इतना जल्दी पहुँच गया। ये खोला मैंने दरवाजा, जल्दी जल्दी नीचे उतरता हूँ। ये तो बहुत ही बड़ी जगह है, मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ। पता नहीं वो सूट कहाँ पर होगा। आओ बैरी, चैन से सोना है तो जाग जाओ। शहर में कोई तो जुम नाम का दानव घुस आया है और उसने स्टार लैब के प्रोफेसर को अगवा कर लिया। अरे ये सब क्या हो गया, अभी तो मैं वहीं से आया था, इसने तो प्रोफेसर को भी उठा लिया। मुझे जल्दी से वो सूट लेना पड़ेगा, पर मुझे नहीं पता वो कहाँ पर होगा। एक काम करता हूँ, इनसे पूछ के देखता हूँ। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, हमें प्रोफेसर ने फोन कर दिया था। तुम्हारा सूट पीछे के साइड रखा हुआ है, जल्दी से जाके ले लो। अच्छा ठीक है अभी जाता हूँ, पता नहीं कहाँ पर होगा। अरे ये कैसी जगह है, ये रहा वो सूट, ये तो बड़ा ही कमाल का दिख रहा है। जल्दी से जाके इसको पहन लेता हूँ। अरे वाह क्या बात है, ये तो मुझे बराबर फिट आया। अब जल्दी से जाता हूँ यहाँ से, मुझे जाके प्रोफेसर को भी बचाना है। ये मैं चला, आज तो उसको छोड़ूंगा नहीं जिसने प्रोफेसर के साथ ऐसा किया। वो ये
यही कहीं पे होना चाहिए। मैं जल्दी से उसे ढूंढ निकालूंगा। टीवी पे तो यही जगह बता रहे थे। जल्दी जल्दी जाता हूँ। अरे ये क्या, वो रहे प्रोफेसर। इनकी हालत तो बहुत ही खराब है। मुझे लगता है यही जूम होगा। पर इसने ऐसा क्या किया? प्रोफेसर ने इसका क्या बिगाड़ा था? मुझे कैसे भी इन्हें बचाना पड़ेगा। अरे ये बारिश कहाँ से आ गई अचानक? अभी बिजली भी कड़कने लगी। ये हो क्या रहा है मौसम को? अब ये क्या हो गया? मौसम तो फिर से चेंज हो गया। मुझे लगता है जूम ही ऐसा कर रहा है। ये मौसम को भी कंट्रोल कर सकता है। इतना कोहरा कहाँ से आ गया? यहाँ पर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट, ये प्रोफेसर कहाँ पर गए? अभी तो यही पर थे। अचानक कैसे गायब हो सकते हैं? जूम तो अभी भी वही पे खड़ा है। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? क्या किया तुमने? उन्हें तो मैंने ठिकाने लगा दिया। और अब तुम्हारी बारी है। बहुत जल्दी तुम भी मरोगे। ये तो तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं इसके लिए। इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। अरे कहाँ पर गया? अरे ये क्या हो गया? इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये ले, वो रहा, ये तो गया, ये ले। अरे बाप रे, ये क्या कर रहा है? इसने तो छोटा टॉर्नेडो बना दिया। मुझे इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। चलो बार बार बचा, इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है। मैंने इससे पहले ऐसी किसी चीज से लड़ाई नहीं की। अब ये ले और ये खा। कहाँ पर गया? वो रहा। इसे तो मैं बहुत तेज मारूंगा। ये ले और ये ले और ये भी ले। खाते ही रहे। और अब ये ले। वापस कहाँ भाग गया? वो रहा। अरे ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। अरे बाप रे, ये तो अचानक ही आ गया। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये ले, तुझे तो मैं इतनी तेज मारूंगा कि तुझे समझ में भी नहीं आएगा। लाइट से भी ज्यादा स्पीड। और अब ये खा। अरे वाकई उड़ के गया है। अब ये ले और ये भी ले। ये तो बेहोश हो गया। अरे नहीं, ये तो वापस से उठ गया है। पर कोई नहीं, इसे तो चक्कर आ जाएंगे। इतनी तेज घूमूंगा मैं, हवा में उठा के फेंक दूंगा इसको। तो मैं घूमते रहो घूमते रहो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब ये लो। अरे वाकई उड़ के गया है। मुझे लगता है ये मर गया। प्रोफेसर गायब है। मुझे ये बात जाके लैब में बतानी पड़ेगी। अब जल्दी से जाता हूँ, मुझे जल्दी से लैब में पहुँचना पड़ेगा। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? ये किसने किया? कैसे हो बच्चे? मेरा नाम रिवर्स फ्लैश है और हम एक दूसरे को जानते हैं। हमारी मुलाकात जल्दी होगी। अरे यार, पता नहीं वो कौन था। और ये पहुँच गया मैं लैब के सामने। मुझे जल्दी जल्दी अंदर जाना पड़ेगा। ये क्या, प्रोफेसर तो सामने खड़े हैं। और इन सब लोगों को क्या हुआ? प्रोफेसर आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। पर रिवर्स फ्लैश यहाँ पर आया था और उसने इन सबको मार दिया। मेरे दोस्त कहाँ पर है? उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। वो सब सेफ है। तुम जाके उस रिवर्स फ्लैश को ढूंढो। नहीं, पहले मुझे अपने दोस्तों की चिंता है। मैं जाके देखूंगा वो ठीक तो है ना। जल्दी से जाके देखता हूँ। फ्लैश रुक जाओ, वहाँ पर मत जाओ। तुम्हें जाके रिवर्स फ्लैश को रोकना है। मैंने कहा ना, तुम्हारे सब दोस्त ठीक है। अरे प्रोफेसर, बस एक मिनट की बात है। एक बार बस उनसे मिल लूँ। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। जल्दी जल्दी जाता हूँ। वो इसी के अंदर होने चाहिए। अरे ये क्या, ये तो रिवर्स फ्लैश का सूट है। पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इसका मतलब इस लैब में कोई है जो कि रिवर्स फ्लैश है। मुझे उसे जाके ढूंढना पड़ेगा। पर पता नहीं मेरे दोस्त कहाँ पर है। यहाँ पर भी कोई नहीं है। वो लोग जा कहाँ पर सकते हैं? कहीं अंदर तो नहीं है? जल्दी से जाके देखता हूँ। कहाँ पर है तुम लोग? यहाँ पर भी कोई नहीं है। फिर प्रोफेसर ने ऐसा क्यों कहा कि वो लोग यहाँ पर होंगे? अरे ये क्या, वो सूट तो गायब है। अब मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। मुझे प्रोफेसर से जाके पूछना पड़ेगा। जल्दी जल्दी जाता हूँ। ये मैं पहुँच गया। अरे प्रोफेसर कहाँ पर गए? अभी तो यही पर थे। मुझे लग रहा है मेरे साथ धोखा हुआ है। प्रोफेसर मुझे अंदर जाने से रोक क्यों रहे थे? और उन्हें तो जूम ने इतनी बुरी तरीके से मारा था। वो इतने जल्दी यहाँ पर कैसे पहुँच गए? और अगर रिवर्स फ्लैश ने सबको मारा था तो प्रोफेसर को क्यों छोड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोफेसर ही रिवर्स फ्लैश है? पर वो ये सब क्यों करेंगे? मुझे जल्दी से जाके उन्हें ढूंढना पड़ेगा। जल्दी जल्दी जाता हूँ। प्रोफेसर, मुझे पता है आप यही कहीं पर होंगे। मेरे सामने आओ। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं आपको ढूंढ के रहूंगा। वो रहे प्रोफेसर। ओ ओ, तुम्हारा ही इंतजार था। प्रोफेसर, मुझे पता चल चुका है कि आप ही रिवर्स फ्लैश हो। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें जल्दी पता चल गया। आपने ये सब बहुत ही गलत किया। और मेरे दोस्त कहाँ पर है? उन्हें मेरी सच्चाई का पता चल चुका था तो मैंने उन्हें मार दिया। पर आप तो हमारे प्रोफेसर हो, आपने ऐसा क्यों किया? मैं कोई तुम्हारा प्रोफेसर नहीं हूँ। मुझे लगता है अभी तक तुमने मुझे पहचाना नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? हम पहले भी मिल चुके हैं। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। रुको, अभी तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। अभी कुछ याद आया? ये क्या, तुम तो वही हो जिसने मेरी माँ को मारा था। मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं भूल सकता। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मेरा चेहरा कभी ना भूलो। अच्छे से याद कर लो इस चेहरे को, यही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। पर तुमने ऐसा क्यों किया? हम दोनों की फ्यूचर में एक लड़ाई होती है जिसमें तुम मुझे हरा देते हो, इसलिए मैं टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आया ताकि तुम्हें मार सकूं। पर यहाँ पर आने के बाद मेरी ताकतें कम हो गई थी और मैं वापस भी नहीं जा पाया, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें दूसरी तरीके से बर्बाद किया जाए। इसलिए सबसे पहले मैंने तुम्हारी फैमिली डिस्ट्रॉय की, तुम्हारी माँ को मारा जिसकी वजह से तुम्हारा बाप जेल में गया, और बड़े होने के बाद तुम्हें मजबूर कर दिया ताकि तुम मेरे ही अंडर काम करो। ये सब आपने बहुत ही गलत किया। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपकी जान ले लूंगा। ये तुम कभी नहीं कर पाओगे, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये लो। अरे कहाँ पर चला गया? मुझे पता है आप यही पर हो। बिल्कुल सही समझा। ये लो, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये खाओ। और अब ये लो। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? तुम अभी बच्चे हो मेरे सामने। अच्छा ऐसी बात है, तो ये लो, अब घूमते रहो। तुम्हें तो मैं घुमा घुमा के फेंकूंगा। अरे बाप रे, इतनी सारी गाड़ी आ गई। प्रोफेसर तो आज बचेगा नहीं मेरे हाथ से। कहाँ पर चला गया ये? अरे अरे, ये क्या कर दिया? इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये खाओ, ये तो वापस यही पर आ रहा है। और ये गया। तुम्हें तो मैं जान से खत्म कर दूंगा। तुमने मेरा गलत फायदा उठाया है। मैंने तुम पे भरोसा किया था और तुमने उस भरोसे को बुरी तरीके से तोड़ दिया। थोड़ा ऊपर जाता हूँ। कहाँ पर चले गए ये? अभी तो यही पर थे। एक काम करता हूँ, पानी में जाके इन्हें दूर ले जाता हूँ। अरे वाह क्या बात है, मैं तो पानी पर भी भाग सकता हूँ। ये तो मेरे पीछे आ गए। आ जाओ आ जाओ। कहाँ पर गए कहाँ पर गए? ये रहे। अरे ये क्या कर दिया? अभी इन्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर आओ, इन्हें तो मैं पानी में घुमा दूंगा। घूम
घूमते रहो। और अब ये खाओ और खाते जाओ। पानी में भी बहुत स्पीड मारूंगा मैं तुम्हें कहीं पर भी खत्म कर सकता हूँ। अब ये लो। तुम तो गए बच्चे, ये लो, जाओ यहाँ से। अब ये खाओ और ये लो। ये हिल क्यों नहीं रहे? मुझे लगता है इनकी ताकत खत्म हो गई। मुझे बहुत स्पीड भागना पड़ेगा ताकि मैं टाइम को चीरते हुए थोड़ा टाइम में पीछे जाऊँ और वहाँ पर पहुँच जाऊँ जहाँ पर ये मेरे दोस्तों को मारते हैं। अब जल्दी से निकलता हूँ। ये मैं चला, मुझे जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। थोड़ी स्पीड को और बढ़ाता हूँ, अपनी पूरी जान लगा दूंगा और टाइम में पीछे जाकर रहूंगा। अगर प्रोफेसर टाइम ट्रेवलिंग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मुझे बस स्पीड भागना है अपनी पूरी शिद्दत के साथ। और ये मैं चला। और ये क्या, मैं तो सीधा लैब के सामने पहुंच गया। पता नहीं मैं टाइम में पीछे आया भी हूँ या नहीं, जल्दी से जाके देखता हूँ। और ये क्या, ये रहे मेरे दोस्त। इसका मतलब मैं टाइम में थोड़ा पीछे आ गया। कैसे हो तुम दोनों, और प्रोफेसर कहाँ पर है? मुझे उन्हें जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। वो तो अभी कुछ देर पहले ही नीचे गए हैं। अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे चलना पड़ेगा। जल्दी से जाता हूँ, इसके अंदर होंगे प्रोफेसर। और ये क्या, ये तो सूट की तरफ जा रहे हैं, इन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये लो, आखिरकार मैंने इन्हें रोक ही लिया। इस लैब में कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करता हूँ, ये पूरी लैब ही बर्बाद कर देता हूँ, फिर प्रोफेसर कुछ नहीं कर पाएंगे। और तेज और तेज और तेज, मुझे लगता है मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब जाता हूँ यहाँ से, डैडी ने कड़ी से कड़ी सजा देना। बेटा तुमने कमाल कर दिया, इतने सालों तक हम गलत फहमी में जी रहे थे। इसे तो मैं सेंट्रल जेल लेके जाऊंगा और फांसी पर चढ़ा दूंगा, तुम चिंता मत करो। शुक्रिया डैड, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं डैड किसको बोलूं। अब मेरे दो दो डैड है। ठीक है बच्चे, मैं चलता हूँ, ध्यान रखना, जल्दी आऊंगा वापस, तब तक अपने पहले डैड के साथ रहो। अरे ये तो चले गए, डैड आ जाओ मेरे पीछे पीछे। अरे मेरे लिए रुको, मैं भी आ रही हूँ। अब चलते यहाँ से। बेरी बहुत ही बहादुर लड़का था, उसने अपने माँ के हत्यारे को सजा दिलवाई और अपने पापा को जेल से निकलवाया। वो ऐसे ही कई सालों तक देश की सेवा करता रहा। तो ये थी फ्लैश की कहानी। हम मिलते हैं इसी जगह किसी और की कहानी के साथ। अरे वो फ्लैश, तुम तो बहुत ही बहादुर थे। शिनचैन ये सब मैं कभी नहीं चाहता था, पर किस्मत को यही मंजूर था। अच्छा इसी बात है क्या? तो गाइस जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज मेरे और शिनचैन के बीच में एक साइकिल रेस लगी है, या फिर आप इसको एक शर्त भी बोल सकते हो। क्योंकि अगर शिनचैन जीतता है तो उसे मिलेगी बहुत सारी चोको चिप, और अगर मैं जीत गया तो शिनचैन को पूरे एक हफ्ते तक घर का काम करना पड़ेगा। कितने पूरे एक हफ्ते तक? अरे हाँ ना, सुन लिया ना, कितनी बार सुनाओगे। तो गाइस देखते हैं कौन सबसे ज्यादा स्पीड जाता है और जीत जाता है। अरे इसमें देखना क्या है, मैं ही जीतने वाला हूँ। बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो रखा है तू। अरे वो तो मैं बचपन से ही हूँ, अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। तारीफ नहीं हो रही तेरी? अरे करोगे भी कैसे आप मुझसे जलते जो हो। गाइस बहुत ज्यादा ही बदतमीज हो रखा है आजकल। अरे फ्रैंकलिन भैया रुको ना। अरे भाई अब क्या हो गया? अरे ये देखो मेरा स्टंट। अबे पागल वागल है क्या, मेरे पे साइकिल क्यों चढ़ाया? अरे वो तो गलती से मिस्टेक हो गई। सीधा बोलना तू मेरे को इंजर करके खुद आगे बढ़ना चाहता है। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। अब वापस क्यों रुक गया? अरे मैं वापस जा रहा हूँ घर पे। क्यों हारने से डर गया क्या अभी से? आपको पता है हम कितनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, फिर भी कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है। अबे इतना लोड मत ले, कर देंगे भाई। अरे आप बस बोलते हो, कोई नहीं करता है। गाइस ये मैं क्या सुन रहा हूँ, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो आप लोग? और हाँ वीडियो को भी लाइक कर देना। अब यार ये किसका फोन आ रहा है? ये तो टोनी का फोन है। हेलो फ्रैंकलिन। हाँ बोलो ना टोनी, जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ। क्यों क्या हो गया? अरे तुम बस आ जाओ। अब ये मत बोलना कि कोई मुसीबत आ गई है। अरे नहीं कोई मुसीबत नहीं आई है, मुझे तुम्हें कोई चीज बतानी है, बहुत ही अनोखी चीज है, जल्दी से आ जाओ। अच्छा ऐसी बात है तो अभी आता हूँ। शिनचैन एक काम कर, मेरे पीछे पीछे आ जा। अरे कहाँ पर लेके जा रहे हो? अरे वो टोनी का फोन आया था, उसने अपन दोनों को घर पे बुलाया। अरे ऐसा भी क्या हो गया? वो कुछ तो दिखाने की बात कर रहा था, पर पता नहीं क्या। अरे क्या बात कर रहे हो, क्या दिखाने वाले है वो? अभी तो बोला मुझे नहीं पता, अब जाएंगे तो ही पता चलेगा। अरे ऐसी बात है तो जल्दी से चलो। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, जल्दी से साइकिल पार्क करता हूँ और जाता हूँ अंदर की तरफ। अरे रुको मैं भी आ रहा हूँ, आजा भाई। ओ तेरे भैंस की आंख, ये सब क्या चल रहा है गाइस? अरे ऐसा लग रहा है ना कोई स्टूडियो खोला है। स्टूडियो तो नहीं लग रहा शिनचैन, पर इन लोग ने तो चारों बाजू वायर ही वायर बिखे रखे। एक काम करता हूँ विजन से जाके पूछता हूँ, ये मुंह थोड़ा बीजी चुबा का। अबे पूछ तो लेने दिया होता पहले, ना बोल दिया भाई, गजब बेइज्जती है। और ये स्पाइडरमैन क्या कर रहा है, वो भी तीन तीन स्क्रीन के साथ? इतना पढ़ा लिखा था क्या ये? छोड़ो ये भी बिजी लग रहा है, तो आगे बढ़ते फटाफट। थॉर से तो हम पूछेंगे नहीं तो वो हथौड़ा फेंक के मारेगा। ये टोनी क्या कर रहा है, जरा जाके देखते अंदर। अबे यहाँ पर भी एक स्क्रीन लगी है। ये तो सारे के सारे बिजी लग रहे हैं। काम करते गाइस, थोड़ा इंतजार करते इनका काम खत्म होने तक का, उसके बाद पूछ लेंगे। अरे फ्रैंकलिन भैया यहाँ पर आओ, हल्क से पूछते हैं। अबे हाँ भैया, इसको तो मैं भूल ही गया था। हल्क को कुछ मत पूछना, हल्क को खुद नहीं पता। अबे तो तेरे को पता क्या होता है? हल्क को फाइट का पता है, बोलो करनी है? नहीं भाई मेरे को तेरे साथ कोई लड़ाई नहीं करनी, मोटी बुद्धि नहीं तो। क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे फ्रैंकलिन तुम आ गए, मैं तो कब का आया हूँ, तुम्हारा ध्यान ही नहीं था। अरे सॉरी वो हम सब लोग थोड़ा बिजी थे काम में। हाँ वो तो कोई बात नहीं, पर यहाँ पर चल क्या रहा है? अरे हम सब ने मिलकर एक टाइम मशीन बनाई है। अरे क्या बात कर रहे हो, इसका मतलब अगर मैं एक चोको चिप खाऊंगा तो मैं टाइम में पीछे जाके वापस वो खा सकता हूँ ना? अरे नहीं शिनचैन तुम तो गलत समझ बैठे, ये हमें टाइम में ले नहीं जाते, हमें सिर्फ टाइम बताती है। बताती है मतलब कोई घड़ी बनाई है क्या? अरे नहीं फ्रैंकलिन, तुम इससे किसी का भी पास्ट और फ्यूचर देख सकते हो। क्या बात कर रहे हो, किसी का भी? हाँ किसी का भी।
भाई ये तो बवाल चीज है, इसका मतलब मैं देख सकता हूँ कि मैं फ्यूचर में अमीर होऊंगा कि नहीं। अरे इसमें देखना कि आप तो पक्का गरीब होंगे, तू तो अपना मुंह बंद ही रख। वैसे ये मशीन काम कैसे करती है? रुको मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये जो तुम सामने मशीन देख रहे हो उसमें उसका डीएनए डाला जाता है जिसका तुम्हें पास्ट या फ्यूचर देखना होता है। उसके बाद स्पाइडरमैन सारी कैलकुलेशन करके उस टाइम पीरियड को सेट करता है जो तुम्हें देखना है। उसके बाद ये वाली मशीन जो है ये उस टाइम को जनरेट करके हमारे डिस्प्ले तक लाने में मदद करती है। कौन सा वाला डिस्प्ले? स्पाइडरमैन वाला कि ये वाला? अरे ये जो तुम्हारे सामने है ये बहुत ही कमाल का डिस्प्ले है, हमें इस पे सब कुछ दिखाई देता है। है तो बड़े कमाल का, दिख भी अलग रहा है। अरे मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। अरे शिनचैन ये सब सच्ची में होता है। अरे ऐसे कैसे मान लूं? रुको मैं तुम्हें एक सैंपल दिखाता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो, हम लोग किसका फ्यूचर देखेंगे? आज हम मेरी कहानी देखेंगे, फ्यूचर से लेके पास सब कुछ। गाइस यार आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, फिर सब लोग मिलके आयरन मैन की कहानी देखते हैं। आ जाओ मेरे पीछे पीछे। चल शिनचैन फटाफट। रुको अभी इसे सेटिंग करके स्टार्ट करता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है इसमें? ये इसके स्टार्ट होने का प्रोसीजर है। अरे इसमें से तो बिजली निकल रही है, कहीं इसका शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कहानी है उस इंसान की जिसने टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बदल के रख दिया। ये आत्मकथा है टोनी की और कहानी आयरन मैन की। अरे ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जहाँ पर मैंने पहली बार यूएस आर्मी के लिए मिसाइलें बनाई थी और उसी की डील के लिए मैं वहाँ पर जा रहा था। क्या बात कर रहे हो, तुमने मिसाइल भी बनाई थी? अभी तुम्हें पता नहीं है मैंने क्या क्या बनाया है, तुम बस आगे देखते जाओ। मुझे लगता है यही जगह है, मैं पहुँच गया हूँ, अब जल्दी से जाता हूँ उनके पास। अरे कैसे हो टोनी? और मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। तो यही वो मिसाइल है जिसकी तुम डील करने की बात कर रहे थे? हाँ यही वो मिसाइल है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, एक मिसाइल कम से कम 10 किलोमीटर के इलाकों को तबाह कर सकती है। अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ इसे बनाने में मेरी बहुत मेहनत गई है, ये तो हमारे देश के लिए बहुत काम आ सकती है। हाँ पर अगर ये गलत हाथों में पड़ गई तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, और मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। अच्छा तो तुमने यहाँ पर डील करी थी उनके साथ? अरे ये मिसाइलें तो बहुत ही बड़ी बड़ी है। हाँ मैंने यहाँ पर ही डील करी थी, पर उसके बाद अचानक से एक हादसा हो गया। कौन सा हादसा? ये देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे मुझे बहुत जोर से सुसु आया, मैं थोड़ा जाके आता हूँ। अरे ये कौन है जो सुसु करने गया है? यही तो वो आदमी है जिसके वजह से गड़बड़ हुई थी। पर ये तो आर्मी के साथ था ना? ये आर्मी के साथ था पर एक धोखेबाज था, तुम बस आगे देखते जाओ। जल्दी जल्दी जाता हूँ, अभी फोन करके माफिया को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उससे मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अभी फोन लगाता हूँ जल्दी से। हेलो, हाँ वो मिसाइलें यहाँ पर आ चुकी है, जल्दी से आ जाओ। हाँ मैं इसे रोक के रखता हूँ। अरे इसने तो माफिया को बुला लिया, अब जल्दी से उनके पास जाता हूँ इससे पहले कि उन्हें शक हो जाए। अच्छा हुआ मैं जल्दी से पहुँच गया। हाँ तो मैं डील के लिए क्या समझूँ, हाँ समझूँ या नहीं? अभी ये गाड़ी किसकी है? ये उन्हीं मैक्सिकन माफिया की गाड़ी है जो टेररिस्ट से मिले हुए है, ये हमारी मिसाइलें हथियार के हम पे ही अटैक करना चाहते हैं। अरे फिर तो ये लोग बहुत ही खतरनाक होंगे ना? हाँ शिनचैन ये लोग बहुत खतरनाक है। अरे तो फिर तुमने क्या किया? अरे सब कुछ मैं बता दूंगा तो तुम देखोगे क्या, चुपचाप देखो। अच्छा ठीक है। अरे ये लोग कौन आ गए जो मुझ पे गोली चला रहे हैं? ये तो कोई टेररिस्ट लगते हैं, जल्दी से जाके छुपता हूँ। मुझे लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे अपना हथियार निकालना ही पड़ेगा। ये लो तेरे ऐसी की तैसी, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से, मुझे कैसे भी करके इनको मारना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मेरी मिसाइलें लेके जाने में कामयाब हो जाएंगे। अरे टोनी तुमने अपना सूट क्यों नहीं पहना? और शिनचैन उस टाइम पे मेरे पास सूट था ही नहीं, ये बहुत पहले की बात है। कोई नहीं गन तो थी, नहीं तो और भी फंस जाते तुम। मुझे पता था ऐसा कुछ हो सकता है इसलिए मैं हथियार साथ में लेके ही आया था। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। और कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, तुम बस देखते जाओ। अरे यार इनकी संख्या तो बढ़ते ही जा रही है, मुझे लगता है मुझे भागना ही पड़ेगा। अरे टोनी तुम तो भाग रहे हो। मेरे पास कोई चारा नहीं था, अगर मैं भागने की कोशिश नहीं करता तो मैं मारा जाता। टोनी इसने तो तुम्हें गोली मार दी। और टेंशन मत लो मैं मरा नहीं था। हाँ वो तो मुझे भी पता, नहीं तो अभी मेरे बाजू में थोड़ी ना होता। अरे हाँ वो तो मैं भूल ही गया। अरे फिर उन्होंने क्या किया, वो मिसाइल ले ली क्या? वो तो ऑब्वियस सी बात है वो मिसाइल लेंगे ही, पर उसके बाद उन्होंने एक और चीज की जिसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अरे क्या किया उन्होंने? उसके बाद उस माफिया ने टोनी को भी अगवा कर लिया ताकि टोनी उसे ऐसी ऐसी चीजें बना के दे सके जो कि उसे आतंकवादियों को बेचने में काम आए और वो करोड़पति बन जाए। तो चलिए अब देखते हैं आगे। अरे ये माफिया भाग के कहाँ जा रहा है? अरे शिनचैन वो अपनी गाड़ी लेके जा रहा है जिसमें वो मुझे बिठा के अगवा कर लेंगे। भाई यार टोनी तेरे साथ तो बहुत ही गलत हुआ है पहले। अरे तुम पूछो ही मत, मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। ये है वो जगह जहाँ पर टोनी को अगवा करके रखा गया था। अरे कोई है बचाओ मुझे, मुझे यहाँ पर उल्टा लटका के क्यों रखा है? अरे टोनी तुमको तो चमगादड़ बना दिया। तुमको हंसी आ रही है शिनचैन? उस समय मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। शिनचैन ऐसे मजाक नहीं उड़ाते। अरे तो कैसे उड़ाऊं, उल्टी डायन बोल दूं क्या? वैसे ये जगह थी कौन सी? अरे वो तो मुझे भी नहीं पता था और ना आज तक पता है। अरे कोई है मुझे नीचे उतारो प्लीज। अरे वहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? अरे बाप रे बहुत जोर का लगा। चलो कम से कम
नीचे तो उतरा बाहर जाने का रास्ता देखता हूँ। पता नहीं कैसी जगह है, एकदम सेम सेम लग रहा है सब जगह से। कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ पर फंस गया। कोई है यहाँ पे जो मेरी मदद कर सकता है? मैं उसे बहुत सारा पैसा दूंगा। अरे टोनी, तुम तो पहले से बहुत अमीर हो क्या? अरे शिनचान, मैं खानदानी अमीर हूँ। मुझे लगता है ना यहाँ पर लोहे को पिघलाया जाता है। अरे वो कौन खड़ा है सामने? जल्दी से जाता हूँ उनके पास, मुझे लगता है वो कुछ बता सकते हैं। अबे लौंडे, कहाँ भाग रहा है? अरे मैं भाग रहा नहीं, मैं गलती से नीचे गिर गया था। हमें पागल समझा है क्या? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं सब कुछ दे दूंगा। मुझे एक ऐसा हथियार बना के दो जिससे कि मैं पूरी की पूरी कंट्री बर्बाद कर सकूं। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकता, इससे बहुत सारे लोगों को खतरा हो सकता है। तो मैं क्या होली खेलने के लिए मांग रहा हूँ? मेरी बात को समझो जरा, या तो वो मुझे हथियार बना के दो या तो तुम्हारी जान जाएगी। अरे यार मैं कहाँ पर फंस गया? अरे टोनी, फिर तुमने क्या किया? अरे मैं क्या करता, मुझे तो अपनी जान बचानी थी। इसका मतलब तुमने वो हथियार बना के दे दिया क्या उन्हें? शिनचान, मैंने हथियार बनाया तो था पर उन्हें दिया नहीं था। अरे पर तुमने ऐसा क्या बनाया था? मैंने बहुत ही कमाल की चीज बनाई थी। अरे यार अब मैं इन लोगों को क्या बना के दूँ? मेरे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या सामान हो सकता है जिससे मैं वो चीज बनाऊँ? यहाँ पर तो चारों बाजू सिर्फ लोहा ही लोहा दिख रहा है। एक काम करता हूँ, इसी से कुछ बनाने की ट्राई करता हूँ, पर मुझे कोई ऐसी चीज बनानी पड़ेगी जो मेरे सुरक्षा के भी काम आए। जल्दी से जाके बनाता हूँ, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। अरे ये क्या भंगार बना दिया तुमने? अरे शिनचान, ये कोई भंगार नहीं है, ये पहला आयरन मैन का सूट था जिसका नाम मार्क 1 था। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी आयरन मैन के सूट की, जहाँ पर टोनी ने मजबूरी में बनाया था। पर वो कहते हैं ना, शुरुआत मजबूरी में करी थी, अब मजा आने लगा है। ये सूट दिखने में भले भंगार हो पर इसमें बहुत ज्यादा जान है। अरे वाह क्या बात है, बनके तैयार हो गया, अब जल्दी से पहन लेता हूँ। पता नहीं ये कैसा काम करेगा, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। और ये मैंने सूट पहन लिया, फिलहाल तो बराबर काम कर रहा है। बस कैसे भी करके इसके मदद से मैं बाहर निकल जाऊँ। जल्दी से आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। अरे ये क्या, ये लोग तो आ गए। अच्छा हुआ ये सूट मैंने पहले ही पहन लिया। ये ले, तू भी ले। अरे इसका निशाना तो बहुत ही गलत है। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो हेल्प हो रही है मेरी, अब मैं इसे भी जल्दी से मजा चकाता हूँ। अरे अरे ये क्या हो रहा है, ये सूट तो जल्दी से कंट्रोल भी नहीं हो रहा, और मुझे लगता है इसमें अभी भी बहुत काम बाकी है। अरे वाह क्या बात है, ये सूट तो सिर्फ दिखने में ही भंगार है। मानना पड़ेगा टोनी, उस टाइम के हिसाब से तुमने बहुत अच्छा सूट बनाया था। ये ले, तू भी ले, अब कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। तुम लोगों ने बहुत ही गलत पंगा ले लिया है, तुम लोगों ने मुझे किडनैप करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तू भी ले, आज तो सारे के सारे मारे जाओगे। तुम लोग मेरे देश पे अटैक करना चाहते थे ना, आज के बाद से तुम किस पे भी अटैक नहीं कर पाओगे। अब ये गोली कौन मार रहा है? ये ले, ये ले, मुझे लगता है सारे के सारे निपट चुके हैं। अरे ये बाकी रह गया, अब इसको भी मारता हूँ। ये ले, फाइनली मुझे लगता है सारे के सारे लोग मर चुके हैं। अब जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने की ट्राई करता हूँ, मुझे लगता है यही वाला दरवाजा होगा। फाइनली मैं बाहर निकल गया, अब यहाँ से जाता हूँ फटाफट इससे पहले कि कोई और आ जाए। और ये सूट का कोई भरोसा नहीं, इसकी बैटरी बहुत जल्दी उतर सकती है। अरे वाह ये तो बहुत ही कमाल का उड़ता है, मुझे नहीं पता था मैं इतनी अच्छी चीज बना लूंगा। अरे ये क्या हो गया, मुझे लगता है इसकी बैटरी डाउन हो गई है, इसे चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं भाग के जाता हूँ यहाँ से। अरे पता नहीं अब और कितना दूर है, ये सूट तो बहुत ही ज्यादा भारी है, मैं इसे इस तरह यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। अरे यार अब ये पुलिस कहाँ से आ गई? यहाँ पर टोनी का मुकाबला होता है पुलिस वालों से, क्योंकि पुलिस वालों ने ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। उन्हें लगा कि ये कोई दुश्मन है और उन्होंने उस पे फायरिंग शुरू कर दी। टोनी को अपने बचाव में पुलिस वालों पे अटैक करना पड़ा। हट जाओ मेरे रास्ते से। ये ले, अरे वाह इसमें से तो लेजर भी निकलती है, अभी जल्दी से जाके इसको भी मारता हूँ। अरे यार ये पुलिस वाले तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे। ये छोड़ी मैंने मिसाइल, देखते हैं इससे कितना ज्यादा असर होता है। मुझे लगता है इन पुलिस वालों को माफिया ने भेजा होगा। अच्छा हुआ मेरे सूट की बैटरी वापस से चार्ज हो गई, अब ये लोग मेरे हाथ से नहीं बचेंगे। अरे वाह मैं तो हेलीकॉप्टर से भी ऊपर उड़ रहा हूँ। ये ले, अभी अभी तो मैं हेलीकॉप्टर के पंखे में आ जाता, अगर ये सूट नहीं होता तो मेरे तो दो टुकड़े हो जाते। ये छोड़ी मैंने वापस से मिसाइल, तुम लोग भी खाओ, ये सूट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैंने नहीं सोचा था इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, आज मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, मुझे कैसे भी ये सूट सही सलामत लेके जाना पड़ेगा। ये गया मेरे हाथ से हेलीकॉप्टर, कहाँ पर गए बाकी लोग? यही कहीं पे होने चाहिए थे, वो रहा हेलीकॉप्टर। ये छोड़ी मैंने मिसाइल, ये गाड़ियों को भी फोड़ देता हूँ ताकि मेरा काम जल्दी से आसान हो जाए। अरे यार ये लोग तो शूट करते ही जा रहे हैं। ये ले, तू भी ले, तू तो गया मेरे हाथ से, मेरे सूट के सामने कोई नहीं टिकेगा। ये लोखंड का हाथ काटा, आदमी उठता नहीं सीधा उठ जाता है। अरे वाह तुम तो फिल्मी डायलॉग मार रहे थे। अरे वो तो बस मेरे मन में आ गया था, वैसे इन पुलिस वालों ने तो तुम्हें चारों बाजू से घेर लिया था। ये रहा वो हेलीकॉप्टर, इसको भी नहीं छोड़ूंगा मैं, गए सब लोग मेरे हाथ से, इसको तो उछाल उछाल के मारूंगा। और कोई बचा है के नहीं बचा? अरे यार ये लोग वापस आ गए, अब इन्हें भी मारना पड़ेगा। ये लो मेरी लेजर, खाओ, सारे के सारे सबको जला के राख कर दूंगा। ये गया मेरे ब्लेड से, तू मारेगा मुझे। ये ले, मुझे लगता है अब सारे के सारे निपट चुके हैं, अब जल्दी से जाता हूँ अपने घर पे इससे पहले कि और पुलिस वाले आ जाए, चलो फटाफट। अब आता है कहानी का दूसरा चरण। 10 साल बाद टोनी ने बहुत ही ज्यादा तरक्की कर ली और आयरन मैन का एक ऐसा सूट बनाया जो पिछले वाले से 100 गुना खतरनाक था। अब देखते हैं आगे। अरे यार प्रेसिडेंट का कॉल आया था, आज उनके पास भी जाना है मिलने, थोड़ी देर में मुझे निकलना पड़ेगा। अरे क्या बात कर रहे हो प्रेसिडेंट? दरअसल उनको मुझसे कुछ काम था। प्रेसिडेंट को और तुमसे काम? मुझे उन्हें एक ऐसी चीज देनी थी जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काम आ सके। क्या बात कर रहा भाई, न्यूक्लियर बॉम्ब? रुको बताता हूँ, देखो ये
नजर आई वो चीज। अरे इसको छोड़ो, वो आयरन मैन का सूट देखो। अरे हाँ, मैंने बहुत सालों बाद ये आयरन मैन का सूट बनाया था जो कि बहुत ही गजब का है। उसके बाद क्या हुआ खुद ही देख लो। एक काम करता हूँ, जल्दी से प्रेसिडेंट को फोन करके बता देता हूँ। हेलो हेलो टोनी, मैं ये रेडियो एक्टिव लेके निकल रहा हूँ यहाँ से, आप भी जल्दी पहुँच जाना। मैं निकल चुका हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। अच्छा ठीक है, अभी निकलता हूँ, अब जल्दी से इसको लेके यहाँ से निकलता हूँ। फाइनली मैं पहुँच गया। अरे टोनी तुम आ गए। हाँ मैं आपकी चीज ले आया हूँ, तुम तो बड़े ही कमाल के आदमी हो। अरे ये तो मेरा काम था, पर इस चीज को हमें जल्दी से यहाँ से लेके निकलना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, हम इस तरह इसे खुले में नहीं रख सकते। अच्छा ठीक है, मैं इसका इंतजाम करवाता हूँ, जब तक ये अपनी जगह पे नहीं पहुँचेगी आपको और मेरी जान दोनों को खतरा है। बॉडीगार्ड तुम एक काम करो, तुम इसे लेके आगे निकलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। अच्छा ठीक है सर, अभी जाता हूँ, जल्दी से जाता हूँ और अंदर बैठता हूँ। और ये मैं चला। इस तरह टोनी ने वो रेडियो एक्टिव प्रेसिडेंट के हवाले किया जिसे उनका बॉडीगार्ड आगे लेके गया और उसी के पीछे प्रेसिडेंट और उनके बाकी बॉडीगार्ड की गाड़ी। ये चीज इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि एक ही बार में पूरे शहर को बर्बाद कर सकती थी, पर प्रेसिडेंट को लगा किसी को क्या ही पता चलेगा। पर वो कहते हैं ना कि मंदिर बसाने और भिखारी आ जाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर वही हुआ। अब देखिए आगे। वैसे इस चीज को लेके लोग कहाँ पर जा रहे? ये लोग मिलिट्री के खुफिया बेस पे जा रहे हैं, पर बीच में एक प्रॉब्लम हो जाती है। फिर से एक प्रॉब्लम? वो लोग आने ही वाले होंगे, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। जैसे उनकी गाड़ी यहाँ पर आएगी वो लोग मारे जाएंगे। आज तो प्रेसिडेंट भी मारा जाएगा और वो रेडियो एक्टिव भी मेरे हाथ लग जाएगा। आने दो उनको, मैं पूरी तरीके से तैयार बैठा हूँ। अरे ये तो माफिया लग रहा है। शिनचान ये लग नहीं रहा, ये माफिया ही है। अरे इन्होंने तो प्रेसिडेंट को घेर लिया, अब इसके आगे क्या होगा? होना क्या था, उन्होंने अटैक शुरू कर दिया। अरे बापरे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हमारे देश के प्रेसिडेंट तो खतरे में है। अरे यार ये लोग कौन आ गए, मुझे जल्दी से नीचे उतर के देखना पड़ेगा। जल्दी से प्रेसिडेंट के पास जाता हूँ, मेरा पहला कर्तव्य प्रेसिडेंट को बचाना है। कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से, ये ले, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तू भी ले। अरे भाई ये बॉडीगार्ड तो बहुत ही ज्यादा बहादुर है। हाँ शिनचान ये बहुत ही बहादुर था। अरे यार ये लोग तो बहुत ही ज्यादा है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जल्दी से इनको निपटाता हूँ। ये ले, तू भी ले और तू भी ले, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। अरे यार ये तो आते ही जा रहे हैं, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये तो गाड़ी के बहुत ज्यादा नजदीक आ गया, ये ले, कैसे भी करके इन सबको मारना ही पड़ेगा, बस कैसे भी करके प्रेसिडेंट को यहाँ से निकाल लूँ। अरे ये भी बहुत नजदीक आ गया, ये ले, तू भी ले और तू भी ले। अरे ये बॉडीगार्ड तो वन मैन आर्मी है। और ये सब उसने अपने प्रेसिडेंट को बचाने के लिए किया था। तुम एक काम करो, प्रेसिडेंट को लेके यहाँ से निकलो, इन लोगों को तो मैं संभाल लूंगा, जल्दी से जाओ नहीं तो इनकी जान को खतरा हो सकता है, मैं बाकियों को संभालता हूँ, ये ले। अरे वो दूसरा बॉडीगार्ड क्या करेगा, वो भी प्रेसिडेंट को बचाने की कोशिश करता है पर एक माफिया आके उसे बाहर धकेल देता है। अरे ये तो एक लड़की लग रही है। यहाँ पर उस बॉडीगार्ड ने जैसे तैसे करके प्रेसिडेंट को बचा लिया और वो दोनों वहाँ से भागने में कामयाब होते हैं। थोड़े ही दूर पहुँच के वो प्रेसिडेंट टोनी को कॉल करके सब कुछ बताने वाले होते हैं। वाह क्या बात है, आखिर में रेडियो एक्टिव मेरा हुआ, अब मैं एक ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाऊंगा जो कि एक शहर को तबाह कर देगा और बाद में इसे बहुत सारे बना के बेच दूंगा जिससे मैं अरबोपति हो जाऊंगा। अब निकलने की तैयारी करते हैं, जल्दी से टोनी को फोन करके बताता हूँ। हेलो टोनी। हाँ बोलिए। जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? माफिया ने हम पे अटैक कर दिया है और उनके हाथ वो रेडियो एक्टिव लग गया है, तुम्हें जल्दी से आना पड़ेगा। और यार ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई। ठीक है मैं जल्दी से आता हूँ। और यार ये क्या हो गया, अब टाइम आ चुका है आयरन मैन का सूट पहनने का, जल्दी से जाता हूँ और वो सूट पहनता हूँ। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि टोनी जल्दी से ये सूट पहन ले। फाइनली ये सूट पहन ही लिया मैंने, अब जल्दी से निकलता हूँ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो लोग यही कहीं पे होना चाहिए, मुझे रेडियो एक्टिव की लोकेशन आ रही है यहाँ से, जल्दी से नीचे जाके देखता हूँ, यही कहीं पे होंगे वो लोग। ये रहे, ये गया मेरे हाथ से, तू भी गया, कोई नहीं बचेगा। ये ले सारे के सारे मेरी लेजर खाओ, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम लोगों ने प्रेसिडेंट पे अटैक किया, तुम सारे के सारे आतंकवादी हो। ये ले तुम्हारी बंदूक से मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं आयरन मैन हूँ। अरे भाई ये वाला सूट तो बहुत ही कमाल का है, वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि वो रेडियो एक्टिव यही पे होगा? मुझे पता होता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैं उन पे एक ऐसी चिप लगाता हूँ जिससे मुझे उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। भाई यार मानना पड़ेगा बहुत स्मार्ट है तू। ये ले। अरे वाह गाइस क्या उड़ के गया है। अरे अब ये कहाँ से आ गया, तू भी ले। ये गया सिक्सर, इन सारों को तो मैं अपनी मिसाइल से उड़ा दूंगा। ये लो मेरी छोटी छोटी मिसाइल खाओ, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से, तुम सारों को तो मैं यही पे मार दूंगा। अरे और कितने हो, एक साथ बाहर क्यों नहीं निकलते ताकि मैं सारे के सारों को एक साथ निपटा सकूं। ये एक एक को मारने में बहुत ही कंटाला आता है। अरे अब ये पीछे से कौन मार रहा है, डर नहीं लगता क्या तेरे को? तो ये ले अब लगेगा। अरे भाई ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। और इस सूट के सारे अटैक बहुत ही कमाल के थे, मुझे लगता है सारे लोग निपट चुके हैं और मैंने US आर्मी को भी यहाँ की लोकेशन दे दी है, वो लोग यहाँ पर आके वो रेडियो एक्टिव ले जाएंगे, मैं निकलता हूँ यहाँ से। इस तरह आयरन मैन ने सारे माफियाओं का खात्मा किया और उस रेडियो एक्टिव को बचाने के साथ उसने पूरे शहर को बचा लिया। अगर आयरन मैन नहीं होता तो वो माफिया उस चीज का गलत फायदा उठा सकते थे। तो गाइस ये थी कहानी आयरन मैन की जो हमारा सुपर हीरो है और हमारे देश का रक्षक। अगर आपको और भी सुपर हीरो की कहानी जाननी है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। अच्छा तो तुमने ऐसे सुरक्षा की थी कंट्री की? हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो, आज के लिए इतना ही काफी है।
गाइस यार आज तो जॉगिंग करके एकदम मजा ही आ गया। अब जल्दी से घर पे चलते और देखते चॉप और शिनचैन क्या कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी जाते गाइस। अबे यार फिर से नहीं, कितना टट्टी करता है ये कुत्ता, किलो के हिसाब से करके रखा है इसने। तो परेशान हो गया हूं मैं इससे, आज तो इसको मैं छोड़ूंगा ही नहीं। पर है कहां पर ये? एक मिनट, ये शिनचैन क्या कर रहा है यहां पर? अबे पागल वागल हो गया क्या शिनचैन? अरे क्या हो गया फ्रैंकलिन भैया? अबे तू पूल में मछली क्यों पकड़ रहा है? तेरे को यहां थोड़ी ना मिलने वाली है। मछली तो पानी में मिलती है ना, क्योंकि मछली जल की रानी है। अरे हां जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी और बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। अबे बाहर तो तब निकालेगा ना जब अंदर होगी। अरे आपको किसने कहा कि अंदर नहीं है? हाँ अंदर तो तीन चार मछलियाँ है। तुम दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अंदर मछली कहाँ से आई? अरे हमने लाके डाली है। अबे यार क्यों पूल की वाट लगा रहे हो? अब मेरे को अंदर जाके निकालनी पड़ेगी। तो गाइस जल्दी से जाते हैं और ये लगाई मैंने जंप। भाई साहब कितना ठंडा पानी है। अबे यहाँ पर तो एक भी मछली दिखाई नहीं दे रही, दिखेगी भी कैसे? होगी तो दिखेगी ना। अभी तो तुम दोनों ने कहा था अंदर मछली है। अरे हम दोनों तो आपके साथ प्रैंक कर रहे थे और अब फंस गए। तुम दोनों को पता तो है ना मैं अभी जॉगिंग से आया था। एक तो भागने के वजह से शरीर में इतनी गर्मी हो ही रखी और तुमने पानी में कूदा दिया, अब बीमार पड़ गया तो मैं। तो गोली खा के सो जाना। चॉप तू तो है ना मुंह एकदम बंदी रख। अरे अब मैंने क्या कर दिया? क्या नहीं पूछ, कितना कर दिया? और चॉप मेरी टट्टी की बात कर रहे हो ना? अच्छा हुआ टाइम पे समझ गया तू। अब उसका तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। खाना पीना कम कर दे, अपने आप कम हो जाएगा। वो तो होने से रहा। अरे वो क्या आ रहा है? अबे ये तो गॉडज़िला है। हाँ पर ये यहाँ पर क्यों आ रहा है? अब वो तो यही बताएगा ना। अरे गॉडज़िला कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो शिनचैन? अरे मैं तो हमेशा की तरह मस्त। वैसे यहाँ आना कैसे हुआ? मुझे तुमसे एक काम है, मुझे अपना पास्ट और फ्यूचर देखना है। एक मिनट, तुमको कैसे पता चला? मुझे कल किंग कॉन्ग मिला था, उसने मुझे बताया। अबे ये लौंडा तो अलग ही एडवर्टाइज करते फिर रहा है। तुम मेरी मदद करोगे कि नहीं? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया कर दो ना। शिनचैन वो मशीन मेरे पास थोड़ी है। अरे तो टोनी भैया से पूछो ना, एक बार पूछ डाला तो लाइफ जिंगा लाला। हाँ पूछो पूछो। हाँ पूछो ना। एक मिनट रुक जाओ सारे के सारे, लगता है पूछना ही पड़ेगा। तो ये लगाया मैंने फोन और ये तो फ्रैंकलिन का फोन है। हेलो टोनी। हाँ बोलो फ्रैंकलिन, तुमको याद है कल अपन ने किंग कॉन्ग का पास्ट और फ्यूचर देखा था? हाँ याद है। तो उसने इस बारे में गॉडज़िला को बता दिया। तो क्या हुआ? तो अब गॉडज़िला जिद कर रहा है कि उसको भी अपना पास्ट और फ्यूचर देखना है। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो मैं इनको लेके आ जाऊँ? अच्छा ठीक है लेके आ जाओ। अच्छा ठीक है मैं भी निकलता हूँ यहाँ से, मैं सेटअप करके रखता हूँ। तो चॉप और शिनचैन फटाफट आ जाओ मेरे पीछे। अच्छा ठीक है आते हैं। और गॉडज़िला तुम हमारी गाड़ी का पीछा करते हुए आ जाओ। अच्छा ठीक है। तो गाइस जल्दी से जाते हैं गाड़ी में। अरे कितना मजा आएगा ना आज, तू बड़ा एक्साइटेड हो रखा है। अरे कल किंग कॉन्ग की कहानी देखी थी, आज गॉडज़िला की देखेंगे। ये बात तो है, मजा तो आएगा। मैं क्या सोच रहा हूँ ना, मेरा भी पास्ट और फ्यूचर देख ही लेता हूँ। चॉप तेरा तो देखने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को पहले से पता है। अच्छा बताओ क्या होगा? तेरे पास से लेके फ्यूचर तक सिर्फ टट्टियां ही टट्टियां भरी है। अरे ये क्या बात हो गई, आप तो ऐसे बोल रहे हो, आप करते ही नहीं हो। टट्टी हर कोई करता है, पर तेरे जितनी कोई नहीं करता है। अरे वो तो अपना अपना टैलेंट होता है। अरे वह इसके बात है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। और मेरे टैलेंट के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। चल शिनचैन मुझे लगता है अपन पहुंच गए। अरे हाँ। तो जल्दी से गाड़ी यहाँ पर रोकते और जाते हैं अंदर, फटाफट भागते। अरे रुको मैं भी आ रहा हूँ। तो गाइस फाइनली अपन पहुंच ही गए। अरे फ्रैंकलिन तुम आ गए? मैं तो आ गया भाई, पर तेरे को मानना पड़ेगा, इतने कम टाइम में इतना ज्यादा सेटअप लगा देता है तू। वैसे इस मशीन को पावर कहाँ से मिलती है? ये सोलर पावर से चलती है। ये सब बकवास बंद करो, मुझे मेरा पास देखना है। भाई यार इसको तो अलग ही घाई है, गॉडज़िला बस हम थोड़ी देर में देखने वाले है। जल्दी करो, मुझसे रहा नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है, तुम सब लोग तैयार हो? अरे हम तो बचपन से तैयार है। तो गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थॉर बटन दबा दो। अच्छा ठीक है, ये दबाया मैंने बटन। कहानी किंग ऑफ मॉन्स्टर की, जो कि है हमारा गॉडज़िला। इस कहानी की शुरुआत होती है खुले आसमान और बड़े समुंदर के बीच, जहाँ पर एक कपल घूमने आया होता है, पर उन्हें नहीं पता था उनकी जिंदगी आज बदलने वाली है। जानने के लिए देखिए आगे। अरे वाह कितना सुहाना दिन है, इतने खूबसूरत नजारे, आज तो मजा ही आ गया। बहुत टाइम हो गया मैं अपनी बीबी से जाके नहीं मिला, उसका हालचाल पूछ लेता हूँ, जल्दी से जाता हूँ। अरे ये तो रो रही है। अरे क्या हुआ तुम्हें? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अरे पर हुआ क्या, बताओगी? अरे नहीं तुम चिल्लाओगे। अरे बाबा नहीं चिल्लाऊंगा, बताओगी? नहीं तुम चिल्लाओगे, वादा करो तुम नहीं चिल्लाओगे। अच्छा ठीक है बाबा मैं वादा करता हूँ, अब बताओ। मैं समुंदर के नजारे ले रही थी, तभी मेरा पर्स पानी में गिर गया। ये क्या कह रही हो पागल औरत, हमारे सारे पैसे उसी में थे। अरे मुझसे गलती से हो गया, मैं क्या करूं? तुमने तो फंसा दिया, अब मुझे जाके वो पर्स ढूंढना पड़ेगा। जल्दी से जाता हूँ, पता नहीं कहाँ गिराया होगा इसने। आज तो अगर वो पर्स नहीं मिला तो मैं लूट जाऊंगा।
जाऊंगा, जल्दी जल्दी जाता हूँ नीचे, पता नहीं कितना गहरा गया होगा। अरे ये क्या है, ये तो बहुत ही अलग चीज लग रही है, जरा इसके पास जाके देखता हूँ। अरे ये तो एक अंडा है, पर ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है और ये चमक भी रहा है। आओ बच्चों तुम्हें सुनाओ अंडे का फंडा। ये नहीं प्यारे कोई मामूली अंडा, यहाँ पर उस इंसान को गौरजिला का अंडा दिखाई देता है। उसे लगता है इसे बेच के वो बहुत अमीर हो जाएगा, पर उसे नहीं पता था एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी खलबली पैदा कर सकती है। उसके सामने जो चीज थी वो उसके अमीर होने का तो पता नहीं पर शहर के बर्बाद होने का कारण बन सकती थी। अब देखिए आगे। अरे ये तो बहुत ही अलग सी चीज लग रही है, मुझे लगता है मैं इसे बेच के बहुत करोड़पति बन जाऊंगा। एक काम करता हूँ, इसे अपने साथ ले लेता हूँ। अरे यार ये तो बहुत ही भारी है, जल्दी जल्दी चलता हूँ यहाँ से, नहीं तो मेरी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। अरे ये कौन है सामने? मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एक काम करता हूँ, फटाफट भागता हूँ यहाँ से। वो मेरे बेटे को ले गया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, जल्दी जल्दी ढूंढती हूँ उसको। दूर दूर भटकने के बाद भी वो इंसान उसके हाथ न लगा, पर वो कहते हैं ना माँ तो माँ होती है, वो अपने बच्चे को ढूंढती रही। अरे कहाँ चला गया वो, मैं उसे ढूंढ के रहूंगी, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। मुझे लगता है ये बोट उनकी होगी, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये ले। अरे वो तो गौरजिला का अंडा लेके गायब हो गया शिनचैन, तभी तो उसकी माँ इतना गुस्सा है ना। अच्छा ये मेरी मम्मी थी। अरे वाह क्या बात है, मुझे लगता है मैंने उस जानवर को पागल बना दिया, वो मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगी, ये अंडा मेरा हुआ। अरे ये क्या, ये तो अंडे के साथ यहाँ पर खड़ा है। मैं तो चाहता हूँ ना शिनचैन मदर गौरजिला इसको देख ले, अरे फिर तो इसकी वाटी लग जाएगी। यह मदर गौरजिला पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी और वो इंसान अपने आंखों में अमीर के सपने सजाए बैठा था। इसे पता था एक माँ को ऐसा काम करना पड़ेगा जो कभी नहीं करना चाहती थी। उस दिन उसका भरोसा इंसान जाति से पूरी तरीके से उठ गया और वो सीधा शहर की तरफ बढ़ने लगी, जो कि मानव जाति के लिए खतरा था। अरे ये तो शहर की तरफ जा रही है। शिनचैन उस इंसान को पता नहीं था कि ये गौरजिला है, मतलब कि ये पहली बार होगा जब गौरजिला इंसानों के बीच जाएगा। अरे जाएगा नहीं जाएगी, गलती एक इंसान की पड़ने वाली सबको भारी है। किसे पता था इतनी बड़ी आफत आने वाली है। अगर खतरा इंसानों के लिए था तो गौरजिला के लिए भी उतना ही था, क्योंकि इंसानों के पास बहुत सारी तकनीक है जिससे वो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तो अब देखिए आगे। अच्छा तो ये वो शहर है जहाँ पर वो इंसान रहते हैं। अरे ये तो शहर में पहुँच गई, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। शिनचैन जो भी होने वाला है ना, मेरे को फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है। अरे ये तो काफी ज्यादा गुस्सा लग रही है, मैंने तो अपनी मम्मी को कभी नहीं देखा। अरे क्या बात कर रहे हो, तुम सब तो गए मेरे हाथ से। अरे ये शहर तो बहुत ही बड़ा लग रहा है, इतने बड़े शहर में मैं अपने बच्चे को कहाँ ढूंढूंगी, मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, इन सबके बर्बादी का कारण एक इंसान होगा, मैं ये पूरा शहर जला दूंगी, ये लो। न चाहते हुए भी एक ऐसी जंग का आरंभ हो चुका था जो एक इंसान की गलती के वजह से छिड़ी थी। आप लोगों को शहर में आग दिखाई दे रही होगी, पर मुझे मदर गौरजिला के सीने में दिखाई दे रही है, जिससे उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। अब इसे रोकना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि एक दोषी की सजा कई निर्दोषों को मिल रही थी, जो कि सरासर गलत है। अरे ये तो पूरा शहर बर्बाद कर देगी, शिनचैन कर कह देगी, आधा तो कर ही दिया है। ये बात हमारे मिलिट्री वालों को पता चल गई और वो सीधा वहाँ पर पहुँच गए, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये आफत कितनी बड़ी है। वो अपनी पूरी कोशिश करते रहे, पर गौरजिला के लिए मानो वो छोटे से खिलौने थे और उनके हथियारों का कोई असर नहीं हो रहा था उस पे। अरे ये तो भाग रही है शिनचैन, वो भाग नहीं रही है, वो अपने बच्चे को ढूंढ रही है। अपने बच्चे को ढूंढने के लिए मदर गौरजिला सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ गई, और वहाँ पर उसे सिर्फ निराशा के सिवा कुछ नहीं दिखा। गुस्से में आके उसने सामने वाली बिल्डिंग पे आग लगा दी। अरे कितना खतरनाक सीन लग रहा है ये तो। खतरनाक तो लगेगा ही ना शिनचैन, इतनी बड़ी गौरजिला सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ी है और ऊपर से सब कुछ बर्बाद कर रही है। गौरजिला के गुस्से के वजह से पूरा मौसम ही बदल गया, ऐसा लग रहा था लॉस सेंटोस एक अंधकार में डूब गया। और यहाँ पर मिलिट्री वालों को पता चल चुका था कि इससे लड़ना इतना आसान नहीं होने वाला, तो उन्होंने अपनी फौज को बढ़ा दिया और उन्होंने अपने सारे आदमी वहाँ पर बुला लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तुम सारे इंसान मेरे सामने कमजोर हो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारी आर्मी आ गई, ये लो, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। बर्बादी का ये मंजर जल्दी ही खत्म होने वाला था, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो मदर गौरजिला के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। आर्मी ने ठान लिया था इसे मारने का। अरे ये आर्मी वाले तो बहुत ही ज्यादा अटैक कर रहे हैं। हाँ शिनचैन ये तो बहुत ज्यादा ही लोग है। गलती किसकी थी और सजा किसे मिली। यहाँ पर मदर गौरजिला की मौत हो जाती है, क्योंकि वो मासूम जरूर थी पर उन्होंने भी कई मासूमों की जान ली। अब आगे क्या होता है आप लोग ही देखिए। अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मिलिट्री वालों ने तो इसे मार दिया। शिनचैन ये तो मिलिट्री वालों का काम ही है, शहर की रक्षा करना भी इनको थोड़ी पता इसके साथ क्या हुआ था। कुछ दिनों में आर्मी वालों को पता चल जाता है कि वो गौरजिला शहर में क्यों आया था। उन्हें आसपास के लोगों से पता चलता है कि एक आदमी को गौरजिला का अंडा लेके जंगल में जाते देखा गया। कुछ दिनों तक ढूंढने के बाद आखिरकार वो आदमी उनके हाथ लगी गया। अब देखिए आगे, आखिरकार ये आदमी हमारे हाथ लगी गया। अब जाके इसकी खबर लेता हूँ। ए शाने चुपचाप बता दे वो अंडा कहाँ पर है। अ
अरे साहब जी मुझे नहीं मालूम। तुझे पता है यार झूठ बोलने की सजा मौत है। अरे ऐसा मत बोलो मुझसे, वो अंडा जंगल में गिर गया था। मुझे लगता है कर्नल को फोन करना ही पड़ेगा मुझे। ये लगाया मैंने फोन। हेलो कर्नल। हाँ बोलो। हमें वो आदमी मिल चुका है। क्या बात कर रहे हो? पर ये कुछ बताने का नाम ही नहीं ले रहा। ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, मुझे ही आना पड़ेगा वहाँ पर। अभी आता हूँ। कर्नल बहुत ही टेढ़ा आदमी था और उसके कॉन्टेक्ट टेररिस्ट से भी थे। वो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। अब एग्जाम्पल आप ही देख लीजिए। चलो मैं पहुँच गया हूँ, अभी नीचे उतर के इसकी खबर लेता हूँ। चुपचाप हमें बता दे कि वो अंडा कहाँ पर है। अरे मुझे नहीं मालूम, इसने कुछ उगला के नहीं अभी तक। इसने हमें कहा कि वो अंडा इसने जंगल में गिरा गया। इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है, इसे यही पे टपका देते है। बच्चे आखिरी बार दुनिया को देख ले। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? ये ले, अब हमें जल्दी से जाके जंगल में ढूंढना पड़ेगा। जल्दी से चलो, आ जाओ सारे के सारे, जल्दी से चलते हैं यहाँ से। अरे इसने तो उस आदमी को मार दिया। चलो उस आदमी को सजा तो मिली उसके किए की। कर्नल चल पड़ा अपनी फौज को साथ में लेके उस अंडे को ढूंढने। उसने 2-3 हेलीकॉप्टर भी छोड़ रखे थे जंगल के ऊपर, जो कि ऊपर से नजर रख सके। अब देखिए आगे। अरे ये लगता जंगल में पहुंच गए। यहाँ ऊपर से देखता हूँ, ये जंगल तो बहुत ही घना है, हमें नीचे जाके ढूंढना पड़ेगा। जवानों तैयार हो जाओ, अगर वो अंडा मेरे हाथ नहीं लगा तो तुम अपनी नौकरी और अपनी जान दोनों से हाथ धो बैठोगे। यहाँ पर कर्नल को एक फोन आता है, क्योंकि उनके क्रू मेंबर को वो अंडा मिल चुका था। कर्नल तुरंत ही उस अंडे को लेने के लिए निकल जाता है। चलो मेरे साथ जल्दी से, हमें वो अंडा मिल चुका है, हमें जल्दी से जाना पड़ेगा, चलते हैं फटाफट। अरे इनको तो अंडा मिल गया। शिनचैन अभी मिला नहीं है, ये लोग लेने जा रहे। अरे वही हुआ ना, जब पता चल गया तो ये लोग तो ले ही लेंगे। ले तो लेंगे। अरे ये रहा सामने अंडा, उतरो फटाफट। ये रहा वो अंडा, आखिरकार हमारे हाथ लग ही गया। अगर वो गॉडज़िला इतना ताकतवर था तो इस अंडे में से निकलने वाली चीज भी ताकतवर होगी। हम इसकी मदद से बहुत खतरनाक हथियार बना सकते हैं। अंडा तो उनके हाथ लग चुका था और वो इस अंडे से निकलने वाली चीज को एक हथियार बनाने का सोच रहे थे। पता नहीं ये सही है या गलत और इसके क्या अंजाम हो सकते हैं, अब ये तो आगे ही पता चलेगा। जल्दी से इस अंडे को लैब में भेजने की तैयारी करो, हमें इस पे एक्सपेरिमेंट करने होंगे ताकि हम इसे अपने कंट्रोल में कर पाए। फिर हमारी ताकत के आगे पूरी दुनिया झुकेगी। समझे कहनाई, या फिर बहरे हो गए हो? जवाब क्यों नहीं देते? कर्नल वो क्या है? कहाँ पर? आपके पीछे। अरे ये क्या, ये तो एक और गॉडज़िला है। हमारे पास गॉडज़िला का अंडा है। ये गॉडज़िला बड़ा होकर हमें तकलीफ दे सकता है, जैसे इसकी माँ ने दी थी। हमें इसे यही पे मारना पड़ेगा। ये ले। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये गॉडज़िला कहाँ से आया। दरअसल उस मदर गॉडज़िला के 2 बेटे थे, एक हमारा गॉडज़िला जो अभी 5 साल का हो चुका है और एक उस अंडे में है। आइस गॉडज़िला उस आदमी का पीछा करते हुए यहाँ तक आया था जो अंडा लेके गया था, पर गॉडज़िला से पहले कर्नल उस अंडे तक पहुँच गया और हमारा गॉडज़िला मरते मरते बचा है। अब देखिए आगे। अरे वो तो भाग गया। कोई नहीं, भागने दो उसे, कभी ना कभी तो मेरे हाथ लगेगा और उस दिन उसे बहुत बेरहमी से मारूंगा। वो जानता नहीं मैं कितना क्रूर हूँ। फिलहाल इस अंडे को लैब में भेजो। ठीक है सर। इसका मतलब इतनी देर से जो हम कहानी सुन रहे थे वो तो हमारा गॉडज़िला था ही नहीं। हाँ शिनचैन, वो तो इसका भाई निकला। अरे भाई नहीं, छोटा भाई। थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी लगा था कि वो मैं हूँ। अरे पर तुम्हारा तो पचका हो गया। अरे इसका नहीं, सबका पचका हो गया। ये तो बहुत ही बड़ा ट्विस्ट था। हाँ गाइस, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। उस अंडे को लैब ले जाया गया ताकि उस पे एक्सपेरिमेंट कर सके। पर जब एक्सपेरिमेंट हो रहे थे उस अंडे में हलचल होने लगी और वो दोनों साइंटिस्ट डर गए और उससे दूर हट गए। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है इस अंडे की पावर बेकाबू हो गई है। इसमें से कुछ तो निकलने वाला है, कहीं ये फट ना जाए। अरे ये क्या, इसमें से तो गॉडज़िला निकला है। अब हम अंडे पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे, हमें गॉडज़िला पे ही करने पड़ेंगे। अंडे पे एक्सपेरिमेंट ना होने के कारण उन्होंने सोचा क्यों ना बेबी गॉडज़िला पे आजमाया जाए। तो उन्होंने उसे एक सेल में डाल दिया जहाँ दिन रात उस पे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, पर नतीजा गलत हो गया। उनके एक्सपेरिमेंट के वजह से वो एक इविल गॉडज़िला बन गया। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, एक बार बस मुझे बाहर आने दो, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। अब आता है कहानी का दूसरा चरण, जहाँ पर हमारा गॉडज़िला 15 साल का हो गया और वो शिकारियों से और बाकी जानवरों से जंगल की रक्षा करता है, क्योंकि वो पैदा ही किंग बनने के लिए हुआ है। पर अभी तक उसे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। अब देखिए आगे। तुम लोग चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे मेरे हाथ से। इस जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये लो, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी, जब जब इस जंगल पे मुसीबत आएगी मैं उससे लड़ूंगा। कोई भी मेरे इजाजत के सिवा जंगल में नहीं घुस सकता। ये जंगल मेरा है और मैं इस जंगल का गॉडज़िला। गॉडज़िला ऐसे ही जंगल को बचाते रहा और देखते ही देखते वो इस जंगल का राजा बन गया। सारे जानवर उसकी इज्जत करने लगे और उसे अपना लीडर समझने लगे। गॉडज़िला था भी उस काबिल। उसने
जिसने कभी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वो एक साफ दिल का आदमी मतलब के गौरजिला था। उसने अपने जिंदगी के कुछ साल यूं ही जंगल में बिताए और सारे जानवरों की मदद की। अब आता है कहानी का तीसरा चरण, जब हमारे गौरजिला 50 साल के हो चुके हैं। मिलिट्री वालों से इविल गौरजिला कंट्रोल नहीं हुआ और वो वहाँ से भाग गया। वो अभी अपना बदला लेने शहर में आया है। अब देखते हैं आगे। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने मेरा बचपन बिगाड़ा था, मैं इनकी जिंदगी बिगाड़ूंगा। इन पुलिस वालों और आर्मी वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया, ये लो कोई नहीं बचेगा, इस शहर को तो मैं तबाह कर दूंगा। अरे ये तो शहर में तबाही मचा रहा है। शिनचैन ये एक इविल गॉडज़िला है और ये इन लोग से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। ये लो आज तुम्हारी मौत नजदीक है, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। वो यूं ही पूरे दिन शहर में तबाही मचाते रहा, पर जब आइस गॉडज़िला को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत उसे रोकने आता है। आज भाई भाई की टक्कर होने वाली है, क्योंकि भाई भाई न रहा दुश्मन बन चुका है। अब देखिए आगे। मेरा भाई कहाँ पर है, मुझे उसे कैसे भी रोकना पड़ेगा, नहीं तो जो गलती मेरी माँ ने की थी वो भी कर बैठेगा। ये रहा वो। तू कौन है बे, चला जा मेरे रास्ते से। रुक जाओ, मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता। हाँ पर मैं तो चाहता हूँ, ये ले। अरे ये तो मुझे उठा उठा के फेंक रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा इसे मारू के नहीं, इसे रोकना ही पड़ेगा, ये ले। ये क्या कर रहा है तू, ये ले। मैं तो धर्म संकट में फंस गया हूँ, ये ले। ये तू कैसे कर रहा है, मैं भी गौरजिला हूँ पर मेरे पास ऐसी पावर नहीं है। हम सब गौरजिला में अलग अलग पावर होती है, मैं काइस गौरजिला हूँ। अच्छा ऐसा क्या, पर तू मुझे नहीं रोक पाएगा। रुक जाओ, ये लो। तुम मुझे रोक क्यों रहे हो। क्योंकि तुम मेरे भाई हो। जब ये लड़ रहे होते हैं, मिलिट्री वालों ने अपने मेका गौरजिला का काम पूरा कर लिया होता है, ताकि वो इन दोनों गौरजिला को खत्म कर सके, जिन्हें वो एक बहुत बड़ा खतरा समझ रहे थे। कहाँ पर है वो दोनों गौरजिला, आज तो वो मेरे हाथ से नहीं बचेंगे, मैं उन दोनों को खत्म कर दूंगा और ये शहर भी। अरे यहाँ पर तो एक मेका गौरजिला आ गया। शिनचैन ये खाली मेका गौरजिला नहीं है, ये तो फुल अपडेटेड लग रहा है। शिनचैन ये बहुत ही ताकतवर गौरजिला था और बहुत ही एविल। अरे हाँ वो तो दिख ही रहा है, इसने तो पूरे शहर को आग लगा दी। यहाँ पर मेका गौरजिला शहर को बर्बाद करने में लगा था और वहाँ उन दोनों भाइयों के बीच में सुलह हो जाती है। हमारा गौरजिला अपने छोटे भाई को समझाने में कामयाब होता है और वो दोनों मिलके मेका गौरजिला को रोकने जाते हैं। अब देखिए आगे। अरे अब ये क्या आफत है, ये तो हमारे जैसा लग रहा है, हमें इसे जल्दी से रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये शहर को बर्बाद कर देगा, ये ले। तुम दोनों मिलके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तूने मेरे भाई को ऐसा बोला, ये ले। आज तो इसे छोड़ेंगे नहीं, ये ले। अरे वह क्या लड़ाई है, ये तो देखने में बहुत ही मजा आ रहा है, एक विलन और दो हीरो। हमें कैसे करके इसे खत्म करना पड़ेगा, ये ले। तू तो गया मेरे हाथ से। रुको भाई मैं भी आ रहा हूँ, दोनों जन मिलके इसको खत्म कर देंगे। और ये हम दोनों के सामने नहीं टिक पाएगा, ये ले। भाई मारो इसको, हम इस शहर को बर्बाद होने से रोकेंगे। अरे वो मेरे भाई को लेके कहाँ पर चला गया, अभी तो यहीं पे था, कहाँ जा सकता है वो, मुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा। यहाँ पर मेका गौरजिला और इविल गौरजिला आइस गौरजिला से अलग हो जाते हैं। क्या हुआ, कहाँ गया तुम्हारा भाई। तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। हाँ तुम मरने के लिए तो अकेला ही काफी है, पर मुझे तो दोनों को मारना है। मरेगा तो तू, ये ले। ये लो, ये भी लो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं एक एडवांस टेक्निक से बनाया गया रोबोट हूँ, मुझे दर्द नहीं होता है। अच्छा ऐसी बात है। हाँ ऐसी ही बात है, ये लो। अरे इसने तो मुझे उठा के फेंक दिया, ये तो सही में बहुत ताकतवर है। इविल गौरजिला अपनी पूरी ट्राई करता है पर वो मेका गौरजिला के सामने नहीं टिक पाता और यहाँ पर मौत होती है दूसरे गौरजिला की, क्योंकि पहली तो इसकी माँ थी। अब देखिए आगे। तूने मेरे भाई को मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे तेरे भाई को मारा है वैसे तुझे भी मार दूंगा। अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ, गौरजिला का तो भाई भी मर गया, अब गौरजिला अपने परिवार में अकेला बचा है। उसने मेरे भाई को मार के बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। अरे ऐसी बात है क्या। हाँ तुम देखो आगे क्या होता है। आइस गौरजिला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसी गुस्से के कारण वो एक बर्निंग गौरजिला बन जाता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा ताकत होती है। अब देखना ये होगा दोनों में से जीतता कौन है। तुम कितनी भी ताकत आजमा लो, मुझसे नहीं जीत पाओगे। ऐसी बात है तो ये ले, तुझे तो मैं जला के राख कर दूंगा। अरे इसमें तो बहुत ही ज्यादा ताकत है। शिनचैन दिखने में भी बहुत खतरनाक दिख रहा है। अरे हाँ गाइस इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। ये ले, मैं अपने भाई के मौत का बदला लेके रहूंगा। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, कचरे के डब्बे। मैं कोई कचरा नहीं हूँ, मैं एक रोबोट हूँ जो तुमसे कई गुना ताकतवर है। ऐसी बात है तो ये ले, तू तो मेरी आग से ही पिघल जाएगा। मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। ये तेरी गलत फहमी है, अब जो भी मेरे बीच में आएगा मारा जाएगा, ये ले।
अरे मेका गॉडजिला तो फिर भी डटा हुआ है। कहाँ पर शिनचैन देख मर गया। मैंने पहले ही कहा था मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये ले जा पाताल में। आखिरकार मैंने इसे हरा ही दिया। मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल हो रही है, अगर मैंने अपनी ताकत को और बढ़ाया तो ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। मुझे अपनी ताकतों को कंट्रोल में करना पड़ेगा। अब आता है कहानी का चौथा चरण, जब हमारा गॉडजिला 99 साल का हो जाता है और इतना सब कुछ होने के बाद वो वापस से समुन्द्र की गहराइयों में चला जाता है। अरे ये क्या कर रहा है शिनचैन, मुझे लग रहा है ना वो वापस से समुन्द्र में जा रहा है। अरे पर क्यों? क्योंकि शिनचैन वो लोग वहीं पे रहते थे, ये तो ये सब सीन हुआ इसलिए इन लोग को बाहर आना पड़ा। अच्छा ऐसी बात है क्या? वो समुन्द्र की गहराई में जाता ही चला गया। वो इतनी गहराई में गया जहाँ तक किसी इंसान का पहुँचना नामुमकिन था। तो दोस्तों आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दो, हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। गाइस यार बहुत ही खतरनाक भूख लगी है, सबसे पहले जाके कुछ खाता हूँ, लगता है आज भी फ्रूटी खाने पड़ेंगे, उसके सिवा तो घर पे कुछ है भी नहीं। एक मिनट, अब ये क्या चीज है गाइस? अबे इतनी बड़ी आफत घर के सामने कैसे आ गई? ये कुछ ज्यादा ही देखा देखा लग रहा है। शिनचैन और चॉप को पता होगा, उनसे जाके पूछता हूँ, पर ये दोनों है कहाँ पर? जल्दी जल्दी जाते गाइस, ये रहे वो दोनों जन, जल्दी से नीचे की तरफ जाते गाइस, ये लगाई मैंने जंप। अबे शिनचैन ये सब क्या चल रहा है? अरे फ्रैंकलिन भैया ये देखो ना किंग कॉन्ग आया है। हाँ भे तभी मैं बोलूं कि इतना देखा देखा क्यों लग रहा है ये? वैसे ये यहाँ पर क्या कर रहा है तेरे को पता है ना? इतने खुले में घूमना इसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अरे मुझे कैसे पता होगा, मैंने थोड़ी ना बुलाया है। मुझे तो लगता है ये घूमने फिरने के लिए आया होगा। मैं घूमने फिरने के लिए नहीं आया, मुझे बहुत ही अकेला अकेला फील हो रहा था तो मैंने सोचा तुम लोग से जाके मिल लेता हूँ। अरे फिर तो तुम बहुत ही गलत जगह आए हो, क्योंकि फ्रैंकलिन भैया की शक्ल देख के तो तुम्हारा दिन और भी खराब जा सकता है। मुंह बन रख अपना शिनचैन, कुछ भी बोलता है। हाँ नहीं तो वैसे किंग कॉन्ग अच्छी बात है कि तुम हमसे मिलने आए, पर कुछ तो बात होगी ना, इतने मायूस क्यों लग रहे हो? मुझे मेरे मम्मी की याद आ रही है। क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को? वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अरे इतने उदास मत हो, हम लोग है ना तुम्हारी फैमिली। मेरी मम्मी के साथ बहुत ही गलत हुआ था। ऐसा भी क्या हुआ था? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अरे पर क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मैं जब भी वो बात बताने जाता हूँ मुझे रोना आ जाता है। अच्छा अच्छा बाबा मत बता, बस रोना मत, मैं नहीं चाहता कि हमारे घर में बाढ़ आए। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? अरे एवेंजर हमें बता सकते हैं कि किंग कॉन्ग की मम्मी के साथ क्या हुआ था। अबे शिनचैन ये क्या बोल रहे तू, उनको कैसे पता होगा इसके बारे में? अरे मुझे लगता है भूल गए हो, उनके पास एक टाइम मशीन है। अबे हाँ बे ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। अरे दिमाग होगा तो आएगा ना। तो फिर से शुरू हो गया। अरे ये सब छोड़ो और जल्दी से टोनी भैया को फोन करो। हाँ अभी करता हूँ, ये लगाया मैंने फोन। और ये तो फ्रैंकलिन का फोन है, जल्दी से उठाता हूँ। हेलो टोनी। हाँ बोलो ना फ्रैंकलिन। अरे एक मदद चाहिए थी तुमसे। कैसी मदद? एक जन के पास्ट के बारे में जानना है। किसके पास्ट के बारे में? अरे वो अपना किंग कॉन्ग नहीं है, उसको अपने मम्मी की बहुत याद आ रही है और वो बता भी नहीं रहा है कि क्या हुआ था उनके साथ। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ तो फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ से, तुम एक काम करो वो टाइम मशीन वाला सेटअप लगा के रखना। अरे पर फ्रैंकलिन इतना बड़ा किंग कॉन्ग मेरे घर के अंदर आएगा कैसे? अबे हाँ भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा ठीक है मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजता हूँ, वहाँ पर जल्दी से पहुँचो किंग कॉन्ग को लेके। अच्छा ठीक है अभी पहुँचता हूँ। शिनचैन चॉप तुम दोनों मेरे साथ आओ, और किंग कॉन्ग तो हमारी गाड़ी का पीछा करते हुए आ जा। अच्छा ठीक है। अरे चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ दोनों फटाफट। तो गाइस जल्दी से जाते गाड़ी के अंदर। अबे यार कहाँ रह गए? अरे ये हम आ गए। तो चलो अब निकलने का टाइम आ चुका है। अरे पर इतना बड़ा किंग कॉन्ग उनके घर के अंदर कैसे घुसेगा? अरे शिनचैन हम लोग उनके घर पे नहीं जा रहे। अरे तू फिर कहाँ पर जा रहे हो? टोनी ने कोई तो लोकेशन भेजी है, अपने को वहीं पे जाना है। अच्छा ऐसी बात है क्या? अरे ये किंग कॉन्ग तो बहुत ही स्पीड भागता है। अबे चॉप कम से कम उसका साइज तो देख ले। अरे हाँ ये बात भी है। ये बात भी है नहीं यही बात है। अरे कितना अजीब है ना, इतना बड़ा किंग कॉन्ग हमारी छोटी गाड़ी के पीछे भाग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई छोटा बच्चा खिलौने के पीछे भाग रहा है। हाँ बस ये बच्चा थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है। अरे तुम सामने देख के गाड़ी चलाओ ना, वैसे भी तुम्हारी ड्राइविंग पे मुझे कुछ खास भरोसा नहीं है। मुझे पता है कैसे गाड़ी चलानी है, मेरे को मत सिखा। अरे मुझे लगता है हम लोग पहुंच चुके हैं। तुझे कैसे पता चला? लोकेशन तो यही की है। अरे क्योंकि मुझे सामने वो लोग दिखाई दे रहे हैं। लग तो वही रहे पर पता लगाने का एक ही तरीका है, जल्दी से जाते उनके पास। फटाफट भागते गाइस, और ये मैं पहुंच गया। अबे यार शिनचैन ने तो एकदम सही कहा था, ये तो अवेंजर ही है। भाई साहब यार गजब सेटअप किया इस बार तो इन लोग ने, एक दो मशीन तो मुझे नई भी लग रही है। और फ्रैंकलिन तुम आ गए? मैं तो आ गया, मेरे पीछे देखो और कौन आया है। और कैसे हो किंग कॉन्ग? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं भी ठीक हूँ। अरे ये क्या है जो गोल गोल घूम रहा है? इसे तुम एक टाइप का एंटीना समझ लो, ये सिग्नल को कैच करता है। अच्छा इसी बात है क्या? वैसे ये क्या इतना बड़ा सा? ये वही स्क्रीन है जिसमें आज हम देखने वाले हैं। क्या बात कर रहा है, इतनी बड़ी स्क्रीन? हाँ तो किंग कॉन्ग का साइज भी तो बड़ा है ना, उसे इतनी छोटी स्क्रीन में थोड़ी दिखाई देगा। भाई ये बात तो सही है तेरी, पर तेरे को मानना पड़ेगा। गाइस यार टोनी ने इतनी मेहनत करके इतना अच्छा सेटअप लगाया, जल्दी से इसके लिए एक लाइक कर दो। अरे तो फिर हम लोग शुरू करें क्या? थोड़ा जरा यहाँ पर आना। अच्छा ठीक है आता हूँ, बोलो क्या हो गया? मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलो ना क्या करना है? मैं तुम्हें जब भी बोलूँ तुम्हें ये वाला बटन दबाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है काम हो जाएगा। फ्रैंकलिन आ जाओ मेरे पीछे पीछे। अच्छा
ठीक है अभी आया। कॉन्ग तुम भी आ जाओ। मुझे तो यही से दिख जाएगा। तो तुम सब लोग तैयार हो? मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। अरे मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। मैं तो ये सब पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो थॉर तुम भी तैयार हो? हाँ मैं भी तैयार हूँ। तो गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर हम सब लोग मिलकर किंग कॉन्ग की स्टोरी देखते हैं। थॉर दबा दो बटन। अच्छा ठीक है अभी दबाता हूँ। ये दबा दिया मैंने बटन। अरे ये क्या हो रहा है, इसमें से तो बिजली निकल रही है। अरे चुप, ये सब ऐसे ही शुरू होता है, तुम बस आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। अरे ये क्या हो रहा है। ये कहानी है किंग कॉन्ग की, जो कि अभी एक छोटा सा बच्चा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जा कहाँ पर रहा है, तो इससे आपको क्या, अपना अपना काम कीजिए, दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाते। अरे अरे रुक जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था। ये अपनी बीमार माँ से मिलने जा रहा है। अब देखिए आगे। जल्दी से जाता हूँ अपनी मम्मी के पास। अरे ये लोग कौन है, ये कहीं मेरी मम्मी को नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे, अभी मारता हूँ इन्हें। ये ले, मेरी मम्मी कहाँ पर गई, यही पर तो थी। हिरन दादा से जाके पूछता हूँ। हिरन दादा आपने मेरी मम्मी को देखा क्या? हाँ वो इस साइड है। अच्छा ठीक है, थैंक यू, अभी जाता हूँ। जल्दी जल्दी जाता हूँ मेरी मम्मी के पास। ये रही मेरी मम्मी। अरे ये शेर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये मेरी मम्मी को नुकसान ना पहुँचा दे। ये ले, तू भी ले, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। अरे ये वापस से खड़ा हो गया। ये ले, मेरी मम्मी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अरे मम्मी आप ठीक हो ना? हाँ बेटा। अरे ये गोली कौन चला रहा है, ये तो इंसान है। जल्दी जल्दी जाके छुपता हूँ कहाँ पर। बेटा जल्दी से भागो। मम्मी आप टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा, आप अपने आप को बचाओ। जल्दी जल्दी जाके यहाँ पर छुप जाता हूँ। अरे ये तो मेरी मम्मी को गोली मार रहे हैं, अभी जाके बताता हूँ इन्हें। ये ले, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से, मेरी मम्मी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये ले। अरे ये लोग तो किंग कॉन्ग और उसकी मम्मी को परेशान कर रहे हैं। इन्होंने मेरी मम्मी को बहुत गोलियां मारी थी, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अरे ये लोग तो और भी ज्यादा आ गए, मुझे लगता है मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। जल्दी जल्दी भागता हूँ यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मेरी मम्मी के साथ क्या होगा। अरे ये तो मेरी मम्मी को उठा के जा रहे हैं। रुक जाओ, मेरी मम्मी को छोड़ दो, प्लीज मेरी मम्मी को छोड़ दो। ये वो जगह है जहाँ पर आर्मी वालों ने किंग कॉन्ग की माँ को उठा लिया था, और वो उसे वहाँ पर लेके जा रहे थे जहाँ पर जानवरों पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ताकि वो ये पता लगा सके कि ये जानवर इतना बड़ा कैसे हो गया। और छोटा किंग कॉन्ग अपनी मम्मी को चिल्लाते हुए उनके पीछे भाग रहा था। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। अरे छोड़ दो इन्हें, कहाँ पर लेके जा रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ये तो बहुत ही ऊपर है, मुझे कैसे भी इन्हें बचाना होगा। अरे बेचारा किंग कॉन्ग, अबे कितनी हवा में उड़ा लिया इसकी माँ को, तो इन लोग को थोड़ी भी दया नहीं आई। मैं आ रहा हूँ मम्मी, जल्दी से इस बोट मैं बैठ जाता हूँ, इसी से पीछा करता हूँ उनका। जल्दी जल्दी जाता हूँ, तुम लोग मेरी मम्मी को कहीं पे लेके नहीं जा सकते, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। तुम लोगों ने बहुत ही गलत किया है, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। अब हमारा छोटू सा किंग कॉन्ग बिल्कुल डर गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, करूँ तो करूँ क्या। फिर भी उसने अपनी पूरी ट्राई की। और हाँ मैं आप लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूँ, बेजुबान जानवरों को मारना पाप है, अपने आसपास के जानवरों की रक्षा करें और हो सके तो उनकी मदद। अरे अब किंग कॉन्ग क्या करेगा, जहाँ तक मुझे दिख रहा है ना शिनचैन, वो अपनी मम्मी का पीछा करते हुए जा रहा है। मैंने अपनी मम्मी को ढूंढने की बहुत ट्राई की, पर उसके बाद एक बोट वाला मेरे पीछे लग गया। अरे ये तो खुद भी एक आर्मी वाला लग रहा है, पता नहीं वो कौन था। अरे ये कौन आ गया, जल्दी जल्दी भागता हूँ यहाँ से, ये तो गोली चला रहा है। ये सब लोग कौन है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और ये हमारे पीछे क्यों पड़े है। किनारा आने वाला है, जल्दी से जाता हूँ, यही पे रुक के बाहर निकल जाता हूँ। अरे ये क्या हो गया, जल्दी उठ के भागता हूँ, ये तो मेरे पीछे ही आ रहा है। अरे ये तो इसका पीछा कर रहा है। शिनचैन पीछा नहीं कर रहा, खाली वो गोली भी मार रहा है। अरे मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे खाली अपनी मम्मी के पास जाना है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। इन लोगों से जाके मदद मांगता हूँ, मुझे कोई बचाओ, ये मुझे गोली मार रहा है। अरे ये लोग तो मुझसे भाग रहे हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा तुमको, मैं एक अच्छा जानवर हूँ, मैं थोड़ी ना इंसान हूँ जो बेमतलब किसी को भी मार दूँ। कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे ये सारे लोग तो किंग कॉन्ग से डर के भाग रहे हैं, यहाँ पर तो और भी ज्यादा लोग आ गए, मुझे लगता है मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। ये ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जल्दी जल्दी इनकी गाड़ी के पास जाता हूँ इससे पहले कि ये लोग मुझे मार दे। फटाफट भागता हूँ, चलो मैं पहुँच गया, फटाफट गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ, निकल बाहर। अरे तुम्हें तो गाड़ी भी चलाने आती थी। हमारी जाति के बंदर बहुत ही स्मार्ट होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अरे भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी जल्दी जाता हूँ कहीं पर, नहीं तो ये लोग मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेंगे। मुझे जाके कहीं पे छुपना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपनी मम्मी को कैसे ढूंढूंगा। इस साइड चला जाता हूँ, ये पूरा रास्ता खाली लग रहा है। अच्छा हुआ ये गाड़ी मिल गई मुझे, नहीं तो मैं भाग ही नहीं पाता। अरे यहाँ पर तो पुलिस भी आ गई। यहाँ पर हमारा छोटू किंग कॉन्ग कैसे भी बचते बचाते छुपने की कोशिश कर रहा है,
पर उसके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आई। कभी पुलिस वालों ने तो कभी आर्मी वालों ने उसका रास्ता रोका, पर उसने कैसे भी करके उनसे पीछा छुड़ा लिया और एक जगह पे जाके छुप गया। अरे मुझे ये जगह ठीक लग रही है, यहाँ पर जाके छुप जाता हूँ, जल्दी जल्दी जाता हूँ। एक काम करता हूँ, इस खटारा बस में जाके छुप जाता हूँ, यहाँ पर कोई नहीं ढूंढेगा और मुझे बहुत टाइम तक यहीं पे छुपे रहना पड़ेगा। अब आता है कहानी का दूसरा चरण। दिन बीते, महीने बीते और देखते देखते कुछ साल बीत गए। अब हमारा छोटू सा किंग कॉन्ग थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। कुछ सालों तक अंडरग्राउंड रहने के बाद उसने पूरी तैयारी कर ली। उसने कुछ हथियारों का बंदोबस्त किया और साथ ही अपनी माँ का लोकेशन पता कर लिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आखिर में इतनी मेहनत के बाद मुझे मेरी माँ का लोकेशन पता चली गया। मैंने बहुत सारे हथियार जमा कर लिए है, अब मुझे उन्हें छुड़ाने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं उन सब से बदला लूंगा जिन्होंने मेरी माँ को नुकसान पहुँचाया है। अरे किंग कॉन्ग तो पहले से बहुत ही बड़ा हो गया, तो शिनचैन वो हमेशा थोड़ी ना छोटा रहेगा। अरे इसने तो एकदम ढासू बॉडी बना ली है। ये मेरी सालों की मेहनत का नतीजा है, मैंने इस दिन के लिए बहुत प्रैक्टिस की थी। अच्छा ऐसी बात है क्या? अब मैं निकलता हूँ यहाँ से, जल्दी जल्दी जाता हूँ, मुझे कैसे भी मिलिट्री बेस तक पहुँचना होगा। अरे ये तो मिलिट्री बेस जा रहा है, वहाँ तो बहुत ही ज्यादा खतरा होता है। खतरा तो होता है शिनचैन, और उसकी माँ भी तो वहीं पर है। अरे कितना मजबूर लग रहा है हमारा किंग कॉन्ग। मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ, मुझे तैयार रहना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत खतरा हो सकता है। ये रहा सामने मिलिट्री बेस, बस कैसे भी करके अंदर पहुँच जाऊँ। ये ले, एक को तो मैंने मार दिया है, पता नहीं अंदर और कितने होंगे। आज तो मैं अपनी माँ को लिए बिना नहीं जाऊंगा। अरे ये लोग तो आ चुके हैं, दो गाड़ियाँ तो आ गई है यहाँ पर, मुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मेरी गाड़ी फोड़ देंगे। अभी मारता हूँ उन्हें। ये ले, ये भी ले, तुम सब तो गए आज मेरे हाथ से, आज मैं बदला लेके रहूंगा। अरे ये लोग तो बहुत ही ज्यादा है, मैं कैसे भी करके इन्हें संभाल लूंगा, मुझे एक अच्छे खासे हथियार की जरूरत है। ये ले, ये तो गए, और मारता हूँ, ये बचना नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी भागता हूँ यहाँ से। अरे सामने दो और आ गए, ये लो। अरे इनके पास तो काफी खतरनाक हथियार है, मुझे लगता है मुझे कुछ और करना पड़ेगा, तुम तो गए मेरे हाथ से। एक काम करता हूँ, इन पे बम फेंक के मारता हूँ। ये लो, और ये एक और लो, ये भी खाओ, कब तक बचोगे मेरे हाथ से? आज तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, तुमने जो किया तुम्हें उसका पछतावा होगा। ये ले मिसाइल खा, ये ले तू भी खा। अरे किंग कॉन्ग तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से मार रहा है। मानना पड़ेगा किंग कॉन्ग छोटा था तब भी बहुत बहादुर था। मैं बचपन से ही बहादुर हूँ। अरे ये टैंक तो बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है, एक काम करता हूँ ये टैंक ही जाके ले लेता हूँ, मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। जल्दी से जाता हूँ और इस टैंक में घुस जाता हूँ। बाहर निकल, इसको तो बाहर निकाल लिया, अब जल्दी से जाता हूँ। अब मुझसे बच के दिखाओ, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से, तुम्हारे हथियार से तुमको मार दूंगा। ये ले, तू भी ले, कैसे भी करके इन सबको यहीं पे मार देता हूँ। एक और गाड़ी आ गई, इसको भी फोड़ता हूँ, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अरे अरे क्या हो गया, जल्दी से कूदता हूँ, मुझे लगता है ये टैंकर फटने वाला है। निकलो गाड़ी के बाहर और मरो मेरे हाथ से। एक काम करता हूँ, ये गाड़ी लेके जाता हूँ आगे, जल्दी जल्दी अपनी माँ को ढूंढता हूँ इससे पहले कि और ज्यादा जन आए। अरे ये लोग तो मेरे पीछे पीछे आने लग गए। हमारे किंग कॉन्ग ने काफी बहादुरी से इनका सामना किया, पर वो अकेला किस किस को मारता, इसलिए उसने एक फैसला किया कि इन सबको छोड़ के जल्दी से अपनी माँ के पास जाता हूँ। और फाइनली उसने अपनी माँ को ढूंढ लिया। अब देखते हैं आगे। अरे ये रही मेरी मम्मी, पहले इन लोगों को मार देता हूँ, जल्दी जल्दी जाता हूँ अपनी मम्मी के पास। मम्मी मैं आ रहा हूँ, इन लोगों ने आपको बहुत परेशान किया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये ले, दूर हो जाओ मेरी माँ से, भाग जाओ सारे के सारे। अरे ये कौन आ गया, इसने तो मुझे उठा के फेंक दिया, इतनी बड़ी चीज क्या है ये? अरे अब ये क्या आ गया? ये एक मेका गॉडज़िला था जो कि आर्मी वालों ने बनाया था। अरे अरे छोड़ दो मुझे, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये तो मुझे मारता ही जा रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। गाइस यार किंग कॉन्ग की हालत बहुत ज्यादा ही खराब है, जल्दी से इसके लिए एक लाइक कर दो ताकि किंग कॉन्ग को थोड़ी एनर्जी मिले। मेरा पीछा छोड़ दो। किंग कॉन्ग तैयार तो था पर ऐसी चीज के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। इतनी मार खाने के बाद भी वो डटा रहा। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक है। रुको बेटा, मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ, दूर हो जाओ मेरे बेटे से। अरे ये क्या हो गया, ये तो मेरी मम्मी को मार रहा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज तो तुम गए मेरे हाथ से। मम्मी संभल के, इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ, ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मम्मी मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। बेटा तुम्हें जाना ही पड़ेगा, मैं इसे ज्यादा देर नहीं संभाल पाऊंगी। अरे यार ये क्या हो रहा है मेरी मम्मी के साथ। अरे ये मेका गॉडज़िला तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं छोटा था इसलिए कुछ भी नहीं कर पाया। अरे रुक जाओ, इन्हें मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया मेरी मम्मी को। मम्मी उठो, मम्मी प्लीज उठ जाओ, मुझे लगता है इसने मेरी माँ को मार दिया, इन्होंने बहुत गलत किया, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, जल्दी से भागता हूँ यहाँ से, नहीं तो ये लोग मुझे भी मार देंगे, और अगर मैं यहाँ पे मर गया तो मेरी माँ का बदला कैसे लूंगा, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना पड़ेगा। गाइस यार ये क्या हो गया, मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हुआ था इसकी माँ के साथ। अभी मैं समझा कि सुबह किंग कॉन्ग इतना उदास क्यों था। इतनी कोशिशों के बावजूद भी किंग कॉन्ग अपनी माँ को बचाने में असफल रहा, उसने अपनी जान की बाजी तक लगा दी, पर होनी को कौन टाल सकता है। इस तरह किंग कॉन्ग अपनी माँ की यादों को अपनी आंखों में समेटे और उनके मौत के बदले की भावना अपने दिल में लिए वहाँ से चला गया। उसके बाद किंग कॉन्ग एक खुफिया जगह पे चला गया जो कि एक गुफा
गुफा थी उसमें किंग कॉन्ग ने 25 साल इंतजार किया जब तक कि वो उस काबिल ना हो जाए कि वो अपनी माँ का बदला ले सके और उस मेकागॉर्जिला को हरा सके। देखते ही देखते काफी वक्त बीत गया पर हालात वही के वही थे। अगर कुछ बदला था तो वो थे किंग कॉन्ग की उम्र और उसकी हाइट जो कि काफी लंबी हो चुकी थी। अभी भी उसकी आंखों में वही प्यार था और वही नफरत। अब आता है कहानी का तीसरा चरण जो कि है बदला। तैयार हो चुका था किंग कॉन्ग अपनी आंखों में ले खूनी ज्वाला, जा रहा था अपनी माँ का बदला लेने, था जाने क्या होने वाला। भड़क उठी थी आंधी, आने वाला तूफान था, उसे बस पाना अपनी माँ का सम्मान था। अरे वाह क्या बात है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। काफी तारीफें हो गई खुद की। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। मेकागॉर्जिला में आ रहा हूँ, आज तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे और उन आर्मी वालों को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं शहर में पहुँच चुका हूँ, अब जल्दी से कैसे भी करके उन्हें ढूंढता हूँ। अरे हमारा किंग कॉन्ग तो काफी ज्यादा ही बड़ा हो गया, काफी गुस्से में लग रहा है। लोग नहीं रहा, मैं गुस्से में था। मेकागॉर्जिला कहाँ पर हो तुम? मेरे सामने आओ, आज किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इन इंसानों ने ही मेरी माँ को मारा था, कोई इंसान अच्छा नहीं है। अब मैं पहले जितना कमजोर नहीं रहा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। ये ले, और कौन है, ये लो तुम भी लो। अरे हटो यहाँ से। अरे मेकागॉर्जिला तो आ गया। तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। अच्छा तो फिर ये लो, ये खाओ। अरे ये तो पहले से भी ताकतवर हो गया, तो भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये ले, आज तो तू मेरे हाथ से बिल्कुल नहीं बचने वाला। तेरी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, आज तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग फेंक दूंगा। कहाँ पर एक आया, सामने आ। ये आया, ये लो। तुम कुछ भी कर लो, आज ना तो मैं भागूंगा ना तुम्हें छोड़ूंगा। तुम्हें तो मैं यही का यही जमीन में गाड़ दूंगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। ऐसी बात है तो ये लो। किंग कॉन्ग तो पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, इस बार मुझे लगता है ना वो मेकागॉर्जिला को नहीं छोड़ेगा। अरे छोड़ना भी नहीं चाहिए, अपनी माँ का बदला लेके रहना। तुम लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे, तुम्हारे आने से सब बिगड़ गया। इस चीज का बदला मैं लेके रहूंगा, तुमने मेरी जिंदगी खराब की है। ये ले, ये भी ले, तू नहीं बचेगा मेरे हाथ से, मैं तुम सबको खत्म करके रख दूंगा। मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा है, तू तो गया मेरे हाथ से, मुझे लगता है ये मर चुका है। इस तरह किंग कॉन्ग ने अपनी माँ का बदला लिया और दिखा दिया दुनिया को, जैसी करनी वैसी भरनी। किंग कॉन्ग ने बदला तो ले लिया था पर वो अभी भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता नहीं था उसकी माँ कहाँ पर है। आगे क्या होता है किसी को नहीं पता, इसलिए देखते रहिए। अरे किंग कॉन्ग तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ था। शिनचैन मुझे तो अभी भी अपनी माँ का इंतजार है, क्या मैं उन्हें कभी देख पाऊंगा? अरे हम देख सकते हैं। क्या बात कर रहे हो, रुको अभी फ्यूचर में जाके बताता हूँ। गाइस क्या आप लोग भी एंडिंग देखना चाहते हो? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। ये हम चले। अब आता है किंग कॉन्ग की कहानी का आखिरी चरण, कमजोर दिल वाले ना देखे, क्योंकि ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। तो अपने दिल पे हाथ रख के तैयार हो जाए। आखिर में मैंने इतने सालों बाद मेरी माँ को ढूंढी लिया, भगवान मेरी माँ की आत्मा को शांति दे। माँ अब तू खुश है ना? मैंने उन सबसे बदला ले लिया है जिसने तेरे साथ ऐसा किया। मैं भी काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, कुछ दिनों में मैं भी तेरे पास आ जाऊंगा, उसके बाद हम दोनों खुशी खुशी साथ रहेंगे, फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। मैं आ रहा हूँ माँ तेरे पास। अगर मैंने थोड़ी देर और ये देख लिया तो आपका तो पता नहीं पर मैं रो दूंगा। किंग कॉन्ग की आंखों में आंसू देख के ऐसा लगा कि आसमान भी रो पड़ा। ऊपर से मीटियर शावर होने लगी। ये दृश्य देख के ऐसा लग रहा था कि मानो दुनिया ही खत्म होने वाली हो। तो ये थी किंग कॉन्ग की दुख भरी कहानी। अगर आप भी किंग कॉन्ग के साथ हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके हमें बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। गाइस यार पता नहीं मौसम को क्या हो गया है, विंटर में भी इतनी गर्मी। ओह भाई साहब अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? अरे हम दोनों नहा रहे हैं। नहा रहे हो और वो भी इस टाइम पे? क्यों सुबह नहाए नहीं थे? अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल हम दोनों को बहुत ज्यादा ही गर्मी लग रही थी। चौप यार ये बात तो तूने एकदम सही बोली, आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है। अरे वही तो समझ में नहीं आ रहा, ठंडी में भी इतनी गर्मी। अब ये किसका फोन है? टोनी। हेलो फ्रैंकलिन। हाँ बोलो क्या हुआ? मैंने कब कहा कि कुछ हुआ है? तो फिर फोन क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर घोस्ट राइडर आया है और वो अपना पास्ट और फ्यूचर देखना चाहता है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम लोग भी देख लो। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है अभी आते हैं। शिनचैन चॉप जल्दी से चलो, आज हम लोग घोस्ट राइडर का पास्ट और फ्यूचर देखने वाले हैं। अच्छा ठीक है अभी आया। गाइस यार तभी मैं सोचूं कि आज इतनी गर्मी क्यों है, लॉस सेंटोस में घोस्ट राइडर आया है। अरे वाह क्या बात है, फ्रैंकलिन भैया ये गाड़ी कब ली? हाँ हाँ हमें भी बताओ ना, हमें तो बोलते थे कि आपके पास पैसे नहीं है। अरे ये गाड़ी तो मैंने गेम खेल के जो पैसे जीते ना उससे ली। अरे ऐसा भी कौन सा गेम खेल लिया? रुक रुक अभी बताता हूँ। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग गेम खेलते खेलते थक जाओगे, लेकिन विंजो पर गेम खत्म ही होंगे, क्योंकि यहाँ है क्रिकेट, लूडो, फ्री सेल, स्नेक रश जैसे 70 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स, जैसे स्किल वैसे गेम्स। तो खेलो और जीतो लाखों के कैश रिवॉर्ड और डायरेक्ट विड्रो करो अपने पेटीएम, यूपीआई या बैंक में। सिर्फ गेमिंग ही नहीं शॉपिंग भी करो, विंजो स्टोर पर मिलते हैं असफाल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स की करेंसी, वो भी सबसे सस्ते दाम पर, और बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार, गाना जैसे कई बड़े ब्रांड्स का डिस्काउंट कूपन भी। इतना ही नहीं रोज विंजो स्पिनर घुमाओ और जीतो रिवॉर्ड्स रोजाना। 10 दिन स्पिन स्ट्रिक बनाकर जीतो बाइक या स्मार्टफोन। अब विंजो पर
पर इतना कुछ है और कितना बताऊं। विंजर डाउनलोड करो और खुद एक्सपीरियंस करो। अरे गाड़ी को थोड़ी और स्पीड भगाओ। अरे पर मैं स्पीड भगाओ क्यों, हम लोग पहुंच गए। अरे मैंने तो देखा ही नहीं। तो ये रोक दी मैंने गाड़ी, तुम दोनों जल्दी से उतरो। तो गाइस जल्दी जल्दी अंदर जाते हैं। ये रहा घोस्ट राइडर। वाह क्या बात है फ्रैंकलिन, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। अरे आज वो ट्रैफिक नहीं था ना इसलिए। अरे मेरा एक सवाल है। हाँ पूछो ना शिनचैन। अरे आपसे नहीं, घोस्ट राइडर अंकल से। हाँ बोलो। अरे आपके सर पे हमेशा आग लगी होती है, आपको जलन नहीं होती क्या? नहीं मुझे इससे कुछ महसूस नहीं होता। अच्छा इसी बात है क्या। अरे यार अभी ये सब छोड़ो ना और जल्दी से मशीन को स्टार्ट करो, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। हाँ ये बात तो आपने एकदम सही बोली, जल्दी से स्टार्ट करो, तुम लोगों को तो कुछ ज्यादा ही घाई है। अच्छा ठीक है अभी जाके स्टार्ट करता हूँ। और ये मैंने स्टार्ट कर दिया, सब लोग तैयार हो जाओ। तो गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं घोस्ट राइडर की कहानी। ये कहानी है जॉनी नाम के एक लड़के की, जो कि एक गैराज में काम करता था। बस थोड़ा सा काम बाकी है फिर ये इंजन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया। अरे मैं तो भूल गया था, आज तो मंथ एंड है, मुझे मेरी सैलरी मिलेगी। जल्दी से जाके बॉस से अपनी सैलरी मांगता हूँ। पता नहीं बॉस कहाँ पर होंगे, शायद ऊपर होंगे, जल्दी जल्दी जाता हूँ। बॉस कहाँ पर हो आप? ये रहे बॉस। बॉस मेरी बात सुनो, आज 1 तारीख है, मुझे मेरी सैलरी चाहिए, मुझे अपने भाई की फीस भरनी है। पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर, मैंने तुझे तेरी सैलरी दे दी है, पूरे के पूरे 20,000 बिना देखे आ जाता है। अरे पर मेरी सैलरी तो 30,000 थी, 10,000 कहाँ पर गए, मुझे बाकी के भी पैसे चाहिए। क्या बोला, तुझे 10,000 और चाहिए? अभी देता हूँ तुझे 10,000, ये ले। अरे अरे ये क्या कर दिया, इन्होंने तो मुझे उठा के बाहर ही फेंक दिया। चला जाए यहाँ से और वापस मत आना, कहीं और जाके नौकरी ढूंढ ले। 30,000 चाहिए, निकम्मा कहीं का, अब भाग यहाँ से। अरे ये तो मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ, बॉस तो कुछ ज्यादा ही खड़ूस है। चलो कोई बात नहीं, कम से कम 20,000 तो मिले। अब जल्दी से भाई के कॉलेज में जाता हूँ और वहाँ जाके उसकी फीस भर देता हूँ। जॉनी बहुत ही शरीफ लड़का था, उसे जो भी मिलता वो उसमें खुश रहता। वो बहुत ही होनहार और जिम्मेदार लड़का था और सबसे ज्यादा चिंता वो अपने भाई की करता था, क्योंकि उसके फैमिली में उसके सिवा कोई भी नहीं था। अब देखिए आगे। अरे वाह क्या बात है, मैं फाइनली पहुंच ही गया। ये क्या, ये गुंडे तो मेरे भाई को मार रहे हैं। रुक जाओ तुम लोग वहीं पर, जल्दी जल्दी जाता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम, उसे छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैं कहता हूँ अभी रुक जाओ। अच्छा अभी रुक जाए तो उधारी का पैसा क्या तेरा बाप देगा? हमने जो भी उधारी ली है मैं दे दूंगा, पर इसे मारने की कोई जरूरत नहीं, इसे मार के तुम्हें तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा। मारो मारो, इसे तो मारते हुए रुकना नहीं, तू हमारा पैसा देगा। 1 साल से तो अभी तक कुछ दिया नहीं, अब रुक मैं तुझे देता हूँ, ये ले। गरीब कहीं के, जब लौटाने की औकात नहीं होती तो लेते क्यों हो? तुम्हें 10 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, अगर तब तक मेरा पैसा नहीं लौटा पाए तो इससे भी बुरा हाल करूंगा। वो गुंडे तो उसे मारकर वहाँ से चले गए, पर जॉनी की हालत और भी खराब हो गई, क्योंकि ना तो उसके पास पैसा था और ना ही नौकरी। पता नहीं और कितने दिन मुझे अपने दोस्त के घर पे रहना पड़ेगा, मेरे घर मालिक ने तो मुझे बाहर निकाल दिया। ये रहा मेरा छोटा भाई, छोटे यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे भैया जरा न्यूज तो देखो। चैन से सोना है तो जाग जाओ, क्योंकि लॉस सैंटोस में होने जा रही है एक इल्लीगल रेस, पुलिस इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बताया जा रहा है इस पे इनाम लगा है 10 लाख रुपए। अरे इस रेस के बारे में तो मैंने सुना है, इसमें तो बहुत सारे क्रिमिनल हिस्सा लेते हैं, अगर ये रेस में जीत गया तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर ये रेस करने के लिए मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। 1 मिनट, मेरे पास एक प्लान है, जल्दी जल्दी जाता हूँ। मैं जिस गैराज में काम करता था वहाँ के बॉस के पास एक कमाल की गाड़ी है, मैं उससे ये रेस जीत सकता हूँ। चलो मैं उनके घर के पास तो पहुँच गया हूँ, वो गाड़ी यही कहीं पर होनी चाहिए, वो रही वो गाड़ी। जल्दी जल्दी उसके पास जाता हूँ, ये गाड़ी तो बहुत ही कमाल की है, इससे मैं वो रेस जीत सकता हूँ। जल्दी से इसे खोलता हूँ। अरे ये क्या, ये गाड़ी तो लॉक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास कोई चारा नहीं, मुझे बॉस के घर के अंदर जाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी जाता हूँ, दरवाजा यही कहीं पर होना चाहिए। अरे ये क्या, यहाँ पर तो गार्ड खड़े है, मुझे छुपना होगा, ये तो यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। अब मुझे कुछ करना होगा, कैसे भी करके इसे अपने रास्ते से हटाता हूँ। ये और ये क्या, वाह क्या बात है, एक काम करता हूँ इसकी गन ले लेता हूँ, मेरे काम आएगी। अब जल्दी से अंदर जाता हूँ, इससे पहले मुझे कोई देख ले, ये घर तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, ये किसके खराटे है, यहाँ पर तो कोई सो रहा है। ये क्या, ये तो मेरे बॉस है। चलो अच्छी बात है, मेरा काम और भी आसान हो गया। अब जल्दी से जाकर उस चाबी को ढूंढता हूँ, वो चाबी यही कहीं पर होगी। अरे ये क्या, यहाँ तो कहीं भी नहीं, मुझे लगता है बॉस के कमरे में होगी। बॉस का कमरा कहाँ पर होगा, यही कहीं होना चाहिए। कहा गया ये रहा, आखिरकार मैंने ढूंढ भी लिया। कहा गई चाबी हाँ वो रही, उस टेबल पर रखी है। जल्दी से जाके चाबी लेता हूँ और ये मैंने चाबी उठा ली। अब जल्दी से यहाँ से भागते हैं, जल्दी 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 मुझे यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि बॉस उठ जाए। 1 मिनट, बॉस कहाँ पर गए, अभी तो यही पर सो रहे थे। अपने पीछे देख। अरे यार ये क्या हो गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की, अब तो तू बचेगा नहीं, तुझे तो मैं यही पर दफन कर दूंगा। चुपचाप जो चोरी किया है वो यही पर रख दे, मुझे जल्दी जल्दी भागना होगा, बॉस को तो पता चल गया, अब वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। फटाफट भाग जाता हूँ यहाँ से, अब तो गाड़ी की चाबी मेरे पास है। जल्दी से जाके गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और ये मैंने खोला दरवाजा, मुझे तो डर लग रहा है कहीं बॉस पुलिस को ना बता दे। अरे ये तो बॉस के आदमी है, मुझे इनसे कैसे भी बचना होगा। अरे ये क्या, मैंने तो एक को ठोक दिया, फिलहाल मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, यही पर मार देंगे। एक काम करता हूँ यहाँ से जाता हूँ, ये लोग तो अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं, मैं तो बहुत ही बुरा फंसा। अरे अरे ये क्या हो रहा है, मेरी गाड़ी तो उल्टी हो रही है, जल्दी जल्दी इसको सीधी करनी पड़ेगी। चलो बार बार बचा। जॉनी बहुत ही घबरा गया था, उसे लगा था वो नहीं बचेगा, पर उसकी ये सोच गलत नहीं थी, क्योंकि उसका बॉस बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी था और बहुत ही खतरनाक। उसने जॉनी
जॉनी के पीछे अपनी दो गाड़ियां भेज दी जो कि जॉनी को मारने के लिए आ रहे थे। अरे अब ये दोनों गाड़ियां कहां से आ गई, ये लोग तो मेरा ही पीछा कर रहे हैं। अरे अरे क्या हो रहा है, बच जा प्लीज बच जा। नहीं 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 नहीं, चलो ये गाड़ी तो मुझसे आगे निकल गई, यही मौका है मेरे पास, जल्दी से भागता हूं। अरे मैं तो भूल गया था मेरे पास गन है, इसे यहीं पर मार देता हूं वरना ये लोग मुझे मार देंगे। चलो ये तो गया, अब बस एक बचा है, कैसे भी करके इसको भी निपटा देता हूं। पहले तो मुझे इससे बचना होगा, गाड़ी को थोड़ी और स्पीड भगाता हूं। अरे ये तो मेरे नजदीक आ गया, एक काम करता हूं राइट से जाता हूं। ये क्या किया इसने, अब तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, थोड़ा सा और पास आने देते हैं इसको। कहां गया वो यहीं पर होना चाहिए, ये रहा ठीक मेरे पीछे। मुझे कैसे भी अपनी जान बचानी होगी क्योंकि अभी तो मुझे अपने भाई की देखभाल भी करनी है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कहां गया ये रहा वो, अब तो ये बचेगा नहीं मेरे हाथ से। ये तोड़ा मैंने कांच, जल्दी से इसको गोली मारता हूं। ये ले और ये भी ले और ये ले, चलो ये दोनों तो गए। अब चुपचाप यहां से निकल जाता हूं इससे पहले कोई मेरा चेहरा देखे, और वैसे भी मुझे रेस के लिए लेट हो रहा है, कहीं रेस शुरू ना हो जाए। चलो मैं ट्रैक पर तो पहुंच गया हूं, वो रेस यहीं पर होगी। ये रही सारी गाड़ियां, जल्दी से गाड़ी को रोकता हूं। चलो अच्छी बात है मैं टाइम पर पहुंच गया। कमॉन गाड़ी को फुल स्पीड में भगाना। अरे रेस तो शुरू हो गई और ये लोग तो मुझसे आगे निकल गए, मुझे जल्दी जल्दी करना होगा। चलो कम से कम तीन गाड़ियों से आगे हूँ मैं, कैसे भी करके इस ब्लू वाली को पीछे करता हूँ। और ये पीछे हो गई, अब बस एक बाकी है, ये वाली तो कुछ ज्यादा स्पीड है, मुझे कैसे भी करके इसको पीछे करना है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अरे ये क्या, ये ब्लू वाली तो नजदीक आ गई, एक काम करता हूँ शॉर्टकट से जाता हूँ, अभी तो मैं टकरा ही गया था। अरे अरे ये क्या हो रहा है, शॉर्टकट के चक्कर में तो ये मुझसे और आगे निकल गई। कोई बात नहीं मैं कर सकता हूँ। जॉनी अपनी पूरी जीत जान से रेस कर रहा था पर उसे नहीं पता था ये रेस उसकी जिंदगी बदल के रख देगी। वो रही ब्लू गाड़ी, मैं बस इसके पास पहुंचने वाला हूँ, जल्दी 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 जल्दी। अरे ये तो दूसरी गाड़ी है, मुझे लगा ब्लू होगी। चलो कोई बात नहीं, इसे तो मैंने पीछे कर लिया। ये रही वो ब्लू गाड़ी और उसके आगे वो लाल वाली, अब जल्दी से इस ब्लू वाली को भी पीछे करता हूँ। अरे अरे ये क्या हो रहा है, साइड हटो मेरे रास्ते से। एक मिनट ये क्या, ये दोनों गाड़ियां रुक क्यों गई और ये वापस क्यों जा रही है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक मिनट ये तो पुलिस के सायरन की आवाज है, मुझे लगता है पुलिस यहाँ पर पहुंच गई है, मुझे जल्दी से जाके कहीं पर छुपना पड़ेगा। एक काम करता हूँ यहाँ पर जाके छुप जाता हूँ, जल्दी जल्दी जाता हूँ, अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करता हूँ गाड़ी को यहीं पर रोकता हूँ, मुझे लगता है मैं बच गया। ये क्या, ये बच्चे अभी के अभी बाहर निकल, मुझे पता है तू उस रेस में था, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम लोगों की तलाश तो मुझे कब से थी। अरे पर ऑफिसर मेरी बात तो सुनो, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ और वो भी बहुत बड़ी मजबूरी है इसलिए। वो सब मुझे नहीं पता, चुपचाप अपने हाथ ऊपर कर वरना बहुत बुरा होगा। अरे ऐसा मत कहिए, मैं अभी करता हूँ, जल्दी जल्दी कर। ठीक है ये मैंने कर दिए, अब प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। छोड़ दूँ और वो भी तुझे, अरे ये क्या हो गया मुझसे, ये गोली तो गलती से चल गई, ये मैंने क्या कर दिया, अगर किसी को पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। एक काम करता हूँ सारा सबूत ही मिटा देता हूँ, कहाँ गया पेट्रोल, कहाँ गया, ये रहा, जल्दी से लेता हूँ मैं, यहाँ पर सब कुछ जला दूंगा, उसके बाद किसी को भी सबूत नहीं मिलेगा। जल्दी जल्दी डालता हूँ इसके ऊपर, पूरा ही खाली कर दूंगा, गाड़ी के चारों बाजू भी डाल देता हूँ, मुझे फटाफट करना होगा इससे पहले कि किसी को पता चले। अब जल्दी से यहाँ पर आग लगाता हूँ, ये मैंने मारी गोली, चलो आग तो लग गई, अब चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ, जल्दी जल्दी जाके गाड़ी में बैठता हूँ। आज मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, पर छोड़ो कोई बात नहीं, अब लोगों को लगेगा कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, पुलिस वाले की एक गलती की वजह से जॉनी मारा गया, आपको भी यही लग रहा होगा, पर इसके बाद जो होता है वो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। ये मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है, और ये क्या हुआ यहाँ पर, सब कुछ इतना काला काला क्यों दिखाई दे रहा है, ये मैं कहाँ पर आ गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन है, कैसे हो जॉनी, तुम हो कौन और मेरा नाम कैसे जानते हो। लोग मुझे राक्षस सौदागर कई नाम से बुलाते हैं, पर सवाल ये नहीं कि मैं कौन हूँ, सवाल ये है कि तुम कौन हो। ये आप क्या बोल रहे हो, मेरा नाम जॉनी है पर मैं आपको नहीं जानता। बस इतना समझ लो कि आज अगर तुम जिंदा हो तो वो मेरी वजह से, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी जीने का एक और मौका दूंगा, पर उसके बदले तुम्हें मेरे काम करने पड़ेंगे। कैसे काम, वो सब तुम्हें अपने आप पता चल जाएंगे, तुम बस हाँ या ना बोलो। हाँ मुझे अभी जिंदा रहना है। अच्छा ठीक है। अरे ये मैं कहाँ पर आ गया, मुझे लगता है मैं सपना देख रहा था, बहुत ही अजीब सा सपना था। अब जल्दी जल्दी अपने भाई के पास जाता हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी गाड़ी का तो कबाड़ा हो गया। ये किसका फोन है, बॉस बॉस मुझे फोन क्यों कर रहे हैं। जॉनी 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 तुझे क्या लगा था, तू मेरी गाड़ी चुरा के चला जाएगा और मैं कुछ करूंगा नहीं, तेरा भाई मेरे कब्जे में है, अगर इसकी सलामती चाहता है तो मेरी गाड़ी लेके यहाँ पर आ जा। बॉस ये आपने क्या कर दिया, अब मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मुझ में से आग कैसे निकलने लग गई, ये मैं क्या बन गया और ये मेरी आवाज को क्या हुआ है। मुझे लग रहा है थोड़ी देर पहले जो हुआ था वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी। ये बाइक कहाँ से आई, मुझे लगता है ये मेरी बाइक है, जल्दी से जाके इस पे बैठता हूँ, मुझे जल्दी से जाके अपने भाई को बचाना पड़ेगा। बॉस आपको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर तो पहुँच गया। ये क्या, ये तो मुझ पर गोली चला रहे हैं, पर मुझे कुछ हो ही नहीं रहा, अब तो ये गए मेरे हाथ से, तुम लोगों ने मुझे कब का मार दिया, ये लो अब मार के कोई फायदा नहीं, अब तुम्हारे मरने की बारी है, मेरे पास तो चेन भी है, ये सारी चीजें तो बहुत ही खतरनाक है, इनको तो मैं जला के राख कर दूंगा। चलो सारे के सारे, तुम सब नरक में जाओगे, तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिलेगी। ये ताकत है तो लाजवाब है, इससे पहले मैंने इतना ताकतवर कभी फील नहीं किया। ये ले, मुझे तो इस आग का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहां गए बॉस, मेरे सामने आओ, तुम लोग मुझे रोक नहीं पाओगे, ये लो मैं बॉस तक पहुंच के रहूंगा, बॉस के कर्मों की सजा उसे मिलेगी। हटो मेरे रास्ते से, मैं सबको जला दूंगा, मैं ये पूरा घर जला दूंगा। ले ले तू भी ले, मेरा दिमाग खराब मत करो, जलो जलो सारे जलो, इस गाड़ी को भी फोड़ देता।
करता हूँ। बॉस आप कहाँ पर हो? मेरे सामने आओ, ये छुप कर बैठने से काम नहीं चलेगा, आपको तो मैं ढूंढ के रहूंगा। ये रहे बॉस। ये क्या किया आपने मेरे भाई के साथ? तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं जॉनी हूँ, पर आज आपका काल बन के आया हूँ। आपने बहुत ही गलत किया, इसकी सजा आपको मिलेगी। तुम जॉनी नहीं हो सकते, ये तुम्हें क्या हो गया? अभी बताता हूँ, अब तो आप बचोगे नहीं, आप तो गए मेरे हाथ से, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। ये लो, मरो सारे के सारे। मेरे भाई तो चिंता मत कर, तेरी मौत का बदला मैं लूंगा। तू ही मेरी फैमिली था, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। अब जल्दी जल्दी यहाँ से जाता हूँ। कहाँ गई मेरी बाइक? जल्दी से आ। ये रही, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। ये दुनिया तो पापियों से भरी पड़ी है, इसे सफाई की जरूरत है। मैं सारे गुंडे मवालियों को मार दूंगा, सबके पापों की सजा उन्हें मिल के रहेगी। जॉनी अब घोस्ट राइडर बन चुका था और वो गुस्से की आग में जल रहा था। ये क्या हो गया? मुझे लग रहा है मैं उसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर वो आदमी मुझे मिला था। कहाँ हो तुम? जल्दी से मेरे सामने आओ और मुझे बताओ ये तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने बस वो ही किया जिसकी तुम्हें जरूरत थी, पर अब मैं इंसान नहीं रहा। तुमने मुझे क्या बना दिया है? तुम अभी भी जॉनी ही हो, जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा तुम ऐसे बन जाओगे। अब मुझे बताओ कि मुझे करना क्या होगा? मैंने तुम जैसे कई लोगों को ऐसे जिंदा किया है, पर उन्होंने मेरी बात मानने से मना कर दिया। तुम्हें उन लोगों को ढूंढना है और मारना है। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करूंगा। मैं वापस से नॉर्मल दुनिया में आ गया। अब जल्दी से बाइक पर बैठता हूँ। पता नहीं वो लोग कौन होंगे, मुझे उनकी ताकतें महसूस हो रही है। अब वो लोग मेरे हाथ से नहीं बचेंगे, वो यहाँ पर होना चाहिए। मुझे फील हो रहा है आज तो ये गया। कहाँ पर है? मेरे सामने आ। मुझे पता है तू यही कहीं पर होगा। तेरा काल आ चुका है, इन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की, इसे तो मैं जला के खाक कर दूंगा। यहाँ पर तो और भी आ गए। ये लो चलो, तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं, भलाई इसी में के यहाँ से चले जाओ, वरना मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, तो सबको मार दूंगा। मुझे लगता है मुझे बाइक से उतरना पड़ेगा, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। अभी इनको बताता हूँ। ये लो, तुम्हें समझ नहीं आता, अब ये खाओ। मुझे मजबूर मत करो, अगर मेरा गुस्सा और बढ़ गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। यहाँ पर छुपने से काम नहीं चलेगा। ये ले, मेरी जंजीरों से कोई नहीं बच सकता, ये टैंकर तो मैं ऐसे ही उड़ा दूंगा। चलो चलो, मेरे गुस्से की आग के सामने कोई कुछ नहीं। अब ये लोग भी गए, मुझे लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। चलो आखिरकार मैंने सबको मार दिया, अगर मेरे रास्ते से हट जाते तो ये नहीं होता। उसकी ताकत मुझे यहाँ से महसूस हो रही है, वो यही कहीं पर होना चाहिए। हो रहा, सुनो मेरी बात, मुझे अपनी आखिरी इच्छा बताओ, क्योंकि अभी तुम्हारे पाप का गड़ा फूटने वाला है और तुम मारे जाओगे। तुम्हारी बात सही है, पर हम में से कोई मरेगा तो वो तुम हो। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये गैस कैसी है? मुझे चक्कर जैसा क्यों आ रहा है? क्या किया तुमने? तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, ये मैं बाहर कैसे आ गया और वो कहाँ पर है? अब तो तू बचेगा नहीं मेरे हाथ से, तूने मेरे साथ दुश्मनी मोल के बहुत बड़ी गलती की है। बातों में वक्त जाया मत करो, अगर हिम्मत है तो आके लड़ो। ऐसी बात है तो ये ले, अरे इसमें तो बहुत ताकत है। ये कहाँ पर गया? अरे बापरे, तू कितनी भी कोशिश कर ले मैं तुझे मार के रहूंगा। अपना मुंह बंद करो और मार खाने पे ध्यान दो। ये लो और ये भी लो, अब घूमते रहो। तुम्हारी आग तो मैं ऐसे ही बुझा दूंगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो अभी बताता हूँ तुम्हें, एक बार बस मुझे उठने दो, फिर तुम बचोगे नहीं। बहुत हो गया तुम्हारा, ये लो सामने आओ। छुप के वार करते हो, क्या हुआ? अब ये कहाँ पर चला गया? ये रहा, इसको अपनी चेन से पकड़ के रखता हूँ। रुक रुक, जाता कहाँ पर है? ये ले, तू तो आज बचेगा नहीं। आखिरकार इसे कर्मों की सजा मिली गई। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, जिसने पाप किया है सबको उनकी सजा मिलेगी। एक तो गया, अब बारी है दूसरे की। जल्दी से आओ मेरी बाइक, जल्दी से जाके इस पे बैठता हूँ। मुझे फटाफट दूसरे को ढूंढना होगा, उसकी ताकत मुझे इसी साइड से महसूस हो रही है। घोस्ट राइडर ने कई बुरी आत्माओं को मारा और जैसी उसकी डील हुई थी शैतान के साथ, वैसा वो करता गया। वो ताकत यही कहीं पर है, मुझे उसे जाके ढूंढना होगा। पर ये वाली ताकत मुझे थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। ये रहा वो, इतनी मासूमियत से बैठा है। मैं आ रहा हूँ तेरे पास, मुझे अपनी आखिरी इच्छा बता, क्योंकि आज तू मरेगा। मेरे पास आ, आज तेरे पापों का गड़ा फूट जाएगा। अरे पर मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, मैं बहुत ही शरीफ हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। ऐसी बात है तो अभी पता करता हूँ, तू कितना शरीफ है। अरे ये क्या, इसकी आत्मा तो पवित्र है, मैं इसे नहीं मार सकता, मुझे इसे छोड़ना होगा। अब मुझे समझ में आया, मेरा भाई किसी और की गलती की वजह से नहीं मरा, वो मेरी ही गलती थी। अगर मैंने इतना कर्ज नहीं लिया होता तो आज मेरा भाई जिंदा होता। मुझे नहीं करना ये सब, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं कौन होता हूँ किसी को सजा देने वाला, जब मैं खुद एक पापी हूँ? आज से मैं ये काम छोड़ दूंगा। ये क्या, ये तो वही आदमी है जिसने मुझे ऐसा बनाया था, पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जॉनी जॉनी, ये तुमने क्या किया? हमारी डील हुई थी, पर तुम भी उन जैसे ही निकले, तुम्हें मेरा काम करना ही होगा। अब मैं और ये काम नहीं कर सकता, तो फिर तुम बचोगे नहीं। ये कहाँ पर गया? तुम्हारे पीछे देखो। ऐसी बात है तो ये लो और ये भी लो, खाते जाओ। तुम मुझे ऐसे मना नहीं सकते, मैं जो करना चाहूँ वो करूंगा। आज से मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। ऐसी बात है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, आज मुझे अपने हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। तुम
पूरे ही गंदे आदमी हो। लोग सही कहते हैं तुम एक शैतान हो। तुम मेरी रूह का सौदा नहीं कर सकते। चाहे तो मुझे मार दो पर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं अपने जीते जी बहुत गलतियां कर चुका हूँ। अब मरने के बाद और नहीं। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई और मरे। यहाँ पर आओ तुम्हें तो मैं नर्क की आग में जलाऊंगा। याद करो अपने पाप। तुम्हारे सारे पाप तुम्हारे सामने आएंगे और तुम यहीं पर मरोगे। तुम नरक की आग में जियोगे। तुम्हारा अंत नजदीक है। जितने ज्यादा पाप उतनी बड़ी सजा। ये लो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पाप काफी बढ़ गए थे इसलिए तुम्हें ये सजा मिली है और तुम मुझे नहीं हरा पाए क्योंकि तुमने मुझे वरदान दिया था पापियों को मारने का और सबसे बड़े पापी तो तुम ही थे। मेरी बाइक जल्दी से मेरे पास आ। अभी हमें यहाँ से चलना होगा। मुझे ये सब खत्म करना है। तो ये थी कहानी घोस्ट राइडर की। गाइस यार घोस्ट राइडर की कहानी सुन के तो मजा ही आ गया। अगर आपको भी मेरी तरह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो करो हमारे फेसबुक पेज को क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी वीडियो आती है। और साथ ही में मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर। आईडी स्क्रीन पर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो जल्दी से करो। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। जय हिंद।